अभी बिल्कुल शांति है। और हाँ, अभी इसमें क्या कहना है कि जो तत्वार सूत्र का परिचय, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तत्वार सूत्र कैसा लिखते हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इस तत्वार सूत्र में जो दूसरा वाला त है, ये वाला, ये डबल त है, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र। तो सबसे पहले जब भी हम किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमें उस ग्रंथ का नाम क्या है, उस नाम का क्या अर्थ है, उस नाम की सार्थकता कहाँ तक है, उस ग्रंथ के लेखक या रचयिता कौन है, वो ग्रंथ कब लिखा गया था, उसका रचना काल क्या है, उस ग्रंथ का परिमाण क्या है, परिमाण मतलब उसका आकार, उसमें कितने अध्याय हैं, कितने सूत्र हैं, कितनी गाथाएं हैं, वगैरह वगैरह, वो पता होना चाहिए। वो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, उस ग्रंथ में की विषय वस्तु क्या है, इत्यादि सभी बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए। यदि इतना सब हमें ज्ञान है तो हम उस ग्रंथ के बारे में पूरी तरह से लगभग जानते हैं, ग्रंथ के बारे में जानते हैं, ग्रंथ को नहीं जानते। अभी ग्रंथ को जानना है तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा गहराई से। तो अभी सबसे पहले मैं आपको नामकरण से बात स्टार्ट करता हूँ कि जो ग्रंथ है उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। अब इसमें जो शब्द है, इस शब्द को अपन यदि संधि विच्छेद करके देखें तो तत्व प्लस त्वा प्लस अर्थ प्लस सूत्र, इसमें चार शब्द हैं आपके पास, ठीक है, चार शब्द हैं, तत् है, त्वे है, अर्थ है और सूत्र है। इन सब का मतलब है, तत् यानी होता है वह है, तत् यानी वह, कोई भी चीज जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो है तत्। और उस तत् का भाव, नेचर, उसका स्वभाव, वो है त्वा। माना कि आप मीठे की बात कर रहे हैं, कोई मीठा मीठा है, कुछ मीठा मीठा मिठाई है, तो जो मिठाई की बात कर रहे हैं तो वो है, मान लेते हैं तत्, क्योंकि अभी मिठाई की बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है वो तत् होता है। तत् यानी पर्टिकुलर कोई वस्तु नहीं होती है, जिसकी बात चल रही है वो तत् है। तो तत् माने समझा, अभी मिठाई की बात चल रही तो मिठाई हो गई तत्, और मिठाई का जो मीठापन है वो हो गया त्वा, ठीक है, तो तत्व हो गया। अब उस तत्व तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ मिलेगा मीठापन, तो वो अर्थ क्या है, अर्थ माने पदार्थ, तो वो पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, और उसका स्वभाव क्या है वो भी पता होना चाहिए। यानी कि दो चीजें आ गई। देखो अभी ये थोड़ा ज्यादा, चार टुकड़े कर दिए मैंने, ज्यादा हो गया। पहले छोटे छोटे समझ लेते हैं, तत्व एक तो हो गया तत्व, और दूसरा हो गया अर्थ, ये दो चीज तो है ही हमारे पास। तो ये दो चीज जो है ना, इसमें से एक होता है तत्व और दूसरा होता है अर्थ। यानी कि आपने, उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, आजकल तो मोबाइल के बारे में सब जानते हैं, है ना, लेकिन मान लेते हैं कोई जमाना ऐसा है कि जिसमें कोई भी मोबाइल के बारे में नहीं जानता, ऐसा एग्जाम्पल, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये एक कुछ पता नहीं क्या है, ये कुछ है, मुझे नाम नहीं मालूम है ऐसा, लेकिन अरे ये बड़ी अच्छी चीज है, अरे इसमें तो सब कुछ खोज सकते हैं, इसमें तो मैसेज आ जाते हैं, इससे तो फोन पर बात, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि मुझे इसका नेचर पता है, इससे फोन हो सकता है, इसमें मैसेज आ जाते हैं, इससे फोटो ले सकते हैं, लेकिन अर्थ यानी कि उसका नाम नहीं मालूम, वस्तु क्या नहीं मालूम, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें वस्तु पता है लेकिन उसका नेचर नहीं पता, या कभी नेचर पता है तो वस्तु पता नहीं है। यानी कि कोई कहे कि ये क्या है, कि अग्नि है, आग जल रही थी, क्या है कि अग्नि है, आग जल रही है, लेकिन वो अग्नि कैसी है ये नहीं मालूम, तो उसमें हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो ऐसा कब होगा कि जब व्यक्ति को अर्थ पता है लेकिन तत्व पता नहीं है। अर्थ यानी अग्नि तो पता है, लेकिन अग्नि का तत्व यानी स्वभाव वो नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में वो हाथ जला लेगा। या फिर उसको ये पता है कि एक कोई चीज ऐसी होती है कि जैसे घर में लाइटर होता है ना, जिससे गैस जलाते हैं, तो उसको ये पता है कि एक ऐसा टिक टिक करके कुछ, एक पता नहीं क्या होता है, उससे आग जल जाती है, गैस जला के हम खाना पका सकते हैं। ले वो बाजार गया और बाजार जाके एक दुकान पे पूछते हैं, अरे वो जो होता है ना, वो टिक टिक करके वो कुछ
जलाते हैं, गैस जलाते हैं, वो क्या है, वो चाहिए मेरे को। यानी उसको अर्थ नहीं पता लेकिन तत्व पता है, तत्व यानी उसका स्वभाव मालूम है कि वो ऐसा टिक टिक करते हैं, आग चलती है। तो कहने का अर्थ, कभी कभी हमें हमको वस्तु के बारे में मालूम होता है, उसके स्वभाव के बारे में मालूम नहीं। कभी कभी स्वभाव के बारे में मालूम होता है लेकिन वस्तु के बारे में नहीं मालूम होता। आचार्य उमा स्वामी का कहना है कि तत्व और अर्थ इन दोनों को एक साथ जानने में आना चाहिए, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। दोनों में से एक चीज जानोगे एक नहीं जानोगे तो भी काम नहीं सिद्ध होगा, इसलिए दोनों का जानना बहुत जरूरी है। ये तो हुआ तत्व और अर्थ दोनों का मतलब। लेकिन इसमें जो शब्द जुड़ा हुआ है सूत्र, तो ये जो सूत्र शब्द है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी जैन शास्त्र सूत्र कहलाते हैं, सभी जैन शास्त्रों को एक कॉमन शब्द सूत्र नाम दिया गया है। आप चाहे तो जिनवाणी बोलो, जिनागम बोलो, आगम बोलो, सूत्र बोलो, योग बोलो, शास्त्र बोलो, ग्रंथ बोलो, ये सब पर्यायवाची नाम है। लेकिन फिर भी सूत्र शब्द भी बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में सूत्र ही कहा जाते हैं जिनवाणियों को। जैसे आप देखो आचारांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, समवायांग सूत्र है, सारे के सारे सूत्र ही हैं। तो ये जिनवाणी का दूसरा नाम सूत्र है। एक अर्थ में तो ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि सूत्र माने वास्तव में सूत्र ही है। देखो सूत्र मतलब एक धागा होता है, थ्रेड, थ्रेड और नीडल होती है ना, सुई धागा, तो धागा होता है सूत्र यानी धागा। तो अब ये जो जिनवाणी को सूत्र क्यों कहा, उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक सुई है हमारे पास, सुई निडल, और वो बहुत पतली सी होती है, छोटी सी होती है लेकिन बड़े काम की होती है। मतलब शर्ट का बटन टूट जाए तो हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन वो सुई यदि कहीं पर गिर गई, और गिर गई तो खो सकती है। और मान लो ये तो हम यहाँ की बात क्यों करें, हम जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में गिर गई तो अब तो पक्का खो ही जाएगी। लेकिन यदि उस निडल को हम धागे के साथ में जोड़ देते हैं तो फिर खोने की संभावना नहीं है। यदि खो भी गई तो जल्दी मिलने की संभावना है। तो सूत्र के साथ में वो यदि निडल है, सुई है, तो वो सुई खोती नहीं है, मिल जाती है। उसी प्रकार से ये सूत्र अर्थात जिनवाणी के साथ में ये संसारी प्राणी रहेगा तो ये संसार समुद्र में खोएगा नहीं। ये आत्मा इस संसार समुद्र में डूब गया है, खो गया है, लेकिन इस संसार समुद्र में यदि इसके साथ सूत्र है अर्थात जिनवाणी है तो ये कभी नहीं खोएगा, ये बच जाएगा। तो इस प्रकार सूत्र का अर्थ बहुत उत्तम अर्थ है। सूत्र माने सूत्र ही होता है, लेकिन यहाँ तत्वार सूत्र में एक और नए अर्थ में सूत्र का प्रयोग किया है। एक नया अर्थ क्या है कि सूत्र माने वास्तव में ही जिसकी शैली सूत्रात्मक है, जिसको कम से कम शब्दों में कहा गया है, उसे कहते हैं सूत्र। ठीक है, अब देखो तत्वार सूत्र की एक ऐसी विशेषता है जो सभी ग्रंथों में, पूरे दुनिया भर के ग्रंथों में, मतलब पूरे जैनागमों में शायद अलग अनोखी है। तत्वार सूत्र एकदम कम से कम अक्षरों में लिखा गया है। शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, अक्षर की बात कर रहा हूं, यानी कि कम से कम वाक्यों में, कम से कम पन्नों में, या कम से कम शब्दों में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम अक्षरों में। यदि एक अक्षर भी कहीं पर कम हो सकता था और कम करने के बाद भी अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, अर्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, अर्थ तो बराबर निकले लेकिन शब्द कम लिखकर भी काम चल जाए, ऐसा यदि कोई ग्रंथ है तो वो है तत्वार सूत्र का। आप सोचो कि आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार सूत्र को सबसे कम अक्षरों में लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आचार्य को एक अक्षर भी कम लिखना पड़े, बिना अर्थ के साथ छेड़खेड़ के किए बिना, छेड़छाड़ किए बिना, अर्थ भी ना बिगड़े और आधा अक्षर भी कम हो जाए, आधी मात्रा भी कम हो जाए, तो उन्हें ऐसी प्रसन्नता होती है कि जैसी प्रसन्नता किसी सदगृहस्थ के घर पर, सदगृहस्थ यानी श्रावक के घर पर कोई बालक का जन्म हुआ हो, पुत्र का उत्सव हुआ है, पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है,
बहुत दिनों बाद संतान हुई है, बच्चा हुआ है घर में इतनी खुशियां हैं, बाजे बज रहे हैं, सहनाई बज रही है, सबको लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो जिस प्रकार हम गृहस्थों को संसार में पुत्र उत्सव का आनंद होता है, उस प्रकार का आनंद आचार्य को तब होता है जब वे शास्त्र लिखते लिखते एक अक्षर कम लिखने का मौका मिले और बराबर बात भी बनी रहे, तो उनको लगे अरे वाह कितना आनंद आ गया। हमारे जैनाचार्य बहुत मितव्ययी होते थे, कम से कम शब्दों में बात को कहना जानते थे, बहुत कम, क्योंकि उनको लगता है क्यों वेस्टेज करना, क्यों स्याही खराब करना, और चलो स्याही पन्ने तो दूर की बात, अपना समय क्यों खराब करना, इतना कीमती मनुष्य जीवन जिसके लिए एक अक्षर भी लिखने का समय क्यों खराब करना, समय अनमोल है उसकी आत्म साधना में लगाना चाहते हैं, इसलिए वो कम से कम शब्दों में लिख करके और वो जो है पूर्ति करना। तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ आपने कभी नहीं देखा होगा, तत्वार सूत्र को आप क्या समझते हैं कितने पन्नों का होगा, केवल 5 7 8 पन्ने से ज्यादा नहीं है, 5 7 8 पेज मेन ओरिजिनल जो मूल आचार्य ने लिखा है वो तो केवल 7 8 पेज से ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है एकदम, इतना छोटा ग्रंथ और नाम इतना बड़ा। तत्वार सूत्र अकेला ऐसा ग्रंथ है जो सबसे कम शब्दों में लिखा है लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, जबरदस्त काम है, एक एक सूत्र के अंदर महासागर भर दिया है, समुद्र का समुद्र डुबा दिया है, एकदम गजब की कलाकृति है। तत्वार सूत्र शास्त्र तो है ही, एक कला का भी बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, छोटा मोटी बात नहीं है। तत्वार सूत्र जिसने पढ़ लिया वो जैन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है, क्योंकि सारे जैन धर्म के जितने भी विषय हैं वो सब अकेले एक तत्वार सूत्र में छुपे हुए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तत्वार सूत्र में ना हो। आप ऐसा कहते हैं कि एक तत्वार सूत्र पढ़ लिया आप, चाहे कोई दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो आपको जैन धर्म का 80% ज्ञान हो जाएगा, 80% ज्ञान अकेले एक ग्रंथ पढ़ने से हो जाएगा, इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। और यही कारण है कि तत्वार सूत्र को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी जहां जहां जैन धर्म की पढ़ाई होती है वहां वहां अवश्य पढ़ाया जाता है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां पर जैन धर्म पढ़ाए और तत्वार सूत्र ना पढ़ाए, ऐसा कहीं नहीं होता। यानी कि तत्वार सूत्र जरूर पढ़ाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उसमें ज्ञान विज्ञान की सारी बातें छुपी हुई है, सारे जैन धर्म का। आप बोलो कि जन्म कितने प्रकार के हैं, शरीर कितने प्रकार के हैं, भाव कितने प्रकार के हैं, जीव कितने प्रकार के हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, आप कुछ भी पूछो सब तो तत्वार सूत्र में है, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं जो नहीं है वहां पर। आपको पूछो स्वर्ग कहाँ है, कितने हैं, नरक क्या है, मतलब जो बोले वो। अच्छा सुनाई नहीं पड़ रहा आपको? हाँ आप ज्वाइन हो जाइए आराम से, दूसरे डिवाइस से या फिर इसी डिवाइस से एक बार लीव होकर। हाँ, मुझे मुझे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब शायद मेरे फोन में इशू होगा, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज, बट अभिजीत जी के रिएक्शन से उनको एब्सोल्युटली क्लियर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे यहाँ पे कुछ इशू है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर। आप एक बार लीव हो जी जाइए, लीव हाँ होके रिज्वाइन करिए, रिज्वाइन जी जी थैंक यू। ठीक तो जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है उसकी महिमा अपरंपार है। देखो समय मेरे पास बहुत कम है, सिलेबस लंबा है, बातें बहुत है, और हम चाहते हैं कि किसी को ऐसी खाना पूर्ति भी नहीं करना चाहते हैं, बड़ी द्वंद में हमारी स्थिति है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी कुछ खास बातें तो बतानी है मेरे को। तो कहने का अर्थ यह है कि तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है उसकी महिमा एकदम अपरंपार है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि आपको यदि कहा जाए कि एक मिनट, आप ये आवाज बहुत आ रही है आपके उधर से, आप म्यूट कर लीजिए या तो है? तो यदि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप हिंदू धर्म का कोई एक ग्रंथ बताइए, कोई एक ग्रंथ, तो आप झट से बोल देंगे कि भगवत गीता। कोई बोले मुस्लिम का एक ग्रंथ बताइए तो झट से बोल देंगे कि कुरान। किस्सा ईसाई का क्या है कि बाइबल। सबका एक ग्रंथ हम बता सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में दिगंबर स्वतंबरों के मतभेद अलग हैं, दिगंबर स्वतंबर के ग्रंथ नहीं मानते हैं, स्वतंबर दिगंबरों के नहीं मानते हैं, उनमें आपस में मतभेद है। लेकिन यदि कोई एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें कोई मतभेद नहीं है तो वो ग्रंथ है तत्वार सूत्र।
तत्वार सूत्र की इतनी महिमा है, दिगंबर भी उसको मानते हैं, श्वेतांबर भी उसको मानते हैं। यदि किसी बात पर विवाद हो गया तो भाई कोई कहां बोलेगा, हिसाब समय सार मिलता है। अच्छा समय सार मिलता है, हम नहीं मानेंगे है। कोई बोलेगा अच्छा आचरण में, नहीं हम नहीं मानेंगे। लेकिन कोई बोलेगा तत्वार्थ मिलता है, कि हाँ हम सब मानेंगे, हम सब मानेंगे। तो तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको मान्य है। तत्वार सूत्र इतना महान ग्रंथ, तो ये हुआ इसका नाम का मीनिंग, ठीक है। लेकिन अभी प्रकरण ये पूरा नहीं हुआ, अभी नामकरण ही और बाकी है इसमें। अब दूसरा नाम बताता हूं, ये एक ग्रंथ ऐसा है जिसका एक दूसरा नाम भी है। तत्वार सूत्र का एक दूसरा नाम है, जैसे हमारे घर में नाम कुछ और होता है, ऑफिस में नाम कुछ और होता है, तो किसी किसी के दो दो नाम भी हो जाते हैं। भगवान महावीर के पांच नाम थे, तो ऐसे इस ग्रंथ का नाम भी एक दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र ऐसा नाम है इस ग्रंथ का। एक नाम तो है तत्वार्थ सूत्र, दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। तो ये दो नाम इस ग्रंथ के चलते हैं। यदि कोई कहे कि आपने मोक्ष शास्त्र सुना है, आप बोल सकते हैं हाँ मालूम है, हमको मालूम है, वही तत्वार्थ सूत्र ही है। लेकिन आपको पता नहीं होगा, आपने तत्वार्थ पढ़ा होगा लेकिन आपको उसका दूसरा नाम नहीं मालूम होगा, और कोई बोले कि मोक्ष शास्त्र में कहाँ है, तो आपको ये मोक्ष शास्त्र क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसी ग्रंथ का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी ग्रंथ को हम मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, मोक्ष शास्त्र कहने के पीछे कारण क्या है, है? और तत्वार्थ सूत्र कहने के पीछे कारण क्या है, दोनों चीजें हैं, दोनों के कारण है, अपने अपने कारण है दोनों। तो मोक्ष शास्त्र इसलिए कहते हैं कि इस ग्रंथ की शुरुआत भी मोक्ष मार्ग से हुई है और अंत भी मोक्ष पर हुआ है। ये मोक्ष, ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र का पहला चैप्टर, उसका पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग से शुरुआत, मोक्ष मार्ग की बात करता है, और शुरुआत मोक्ष मार्ग से करके अंत भी मोक्ष पर ले जाता है। अंतिम अध्याय पूरा का पूरा मोक्ष का वर्णन करने वाला है, इसलिए इस ग्रंथ का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, ठीक है। अब जो पहला नाम हमने देखा था, जिसको हम बोल रहे थे तत्वार्थ सूत्र, उसका नाम तत्वार्थ सूत्र क्यों है, जरा वो भी देख लेते हैं। तो उसका ऐसा समझिए कि तत्व हमारे पास मूल रूप से सात है, वैसे तो नौ भी है, नौ भी कह सकते हो आप, लेकिन पुण्य पाप तो अंतर्गर्भित है, इसलिए मूल रूप से सात तत्व होते हैं। तो उन सात तत्वों का वर्णन इस मोक्ष शास्त्र में हुआ है, तत्वार्थ सूत्र में हुआ है। इसलिए दरअसल ये जो पूरा का पूरा ग्रंथ है, इस ग्रंथ की थीम है, वो थीम है सात तत्वों की थीम, सात तत्वों के आधार पर इसके चैप्टर बनाए गए, ठीक है। तो उनके जो चैप्टर, देखो इसका परिमाण भी मुझे बताना है, लेकिन परिमाण भी अभी इसमें साथ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कहने का अर्थ, जो सात तत्व है ना, तो जैसे इसमें है दस अध्याय, कितने अध्याय है, दस अध्याय, ठीक है। तो दस अध्याय है, दस अध्याय टोटल, उन दस अध्याय में से पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक अकेले जीव तत्व का वर्णन, चार अध्याय, दस अध्याय में से चार अध्याय आचार्य ने अकेले एक जीव तत्व के लिए समर्पित किए हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि जीव की सबसे ज्यादा महिमा है, दुनिया में जीव तत्व ही सबसे श्रेष्ठ है। जीव के अंदर ज्ञान है, जीव जान सकता है, तो जीव सब द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। सब तत्वों में और सब द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है जीव। तो जीव के लिए चार अध्याय है, पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, छठे अध्याय में, छठे और सातवां दोनों, छठा और सातवां दोनों अध्याय में आश्रव का वर्णन है, आठवें अध्याय में बंध का वर्णन है, नवें अध्याय में संवर और निर्जरा दोनों का वर्णन है, और दसवें अध्याय में मोक्ष का वर्णन। ये जो है एक साथ आपको एक पन्ने पर दिख जाए ऐसा कुछ करता हूं, ये एक साथ दिख जाए, अभी दिख रहा है ना। तो एक से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव का वर्णन है, पांचवें में अजीव का, छठे सातवें में आश्रव का, आठवें में बंध का, नवें में संवर और निर्जरा का, और दसवें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु हुई, ठीक है।
अर्थात इसका परिमाण भी आपके समझ में आ गया। परिमाण मतलब साइज, इसमें 10 अध्याय हैं, ठीक है। अब 10 अध्याय हैं, लेकिन उन 10 अध्यायों के अंदर क्या गाथाएं हैं, क्या श्लोक हैं, क्या छंद हैं, क्या दोहे हैं, क्या सूत्र हैं? तो कहने का अर्थ इसमें है सूत्र। कितने हैं सूत्र? देखो 10 तो अध्याय हैं और सूत्रों की संख्या है 357, 356। इतने सूत्र इस तत्वार सूत्र में पाए जाते हैं। 10वां अध्याय के अंदर कुल मिलाकर सूत्रों की संख्या 357 पाई जाती है, लेकिन दिगंबर श्वेतांबर के अनुसार कुछ संख्या में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो सूत्रों की संख्या ज्यादा ऊपर नीचे होने से भी मूल भाव में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। तो इस प्रकार से तत्वार सूत्र का परिमाण हो गया। परिमाण मतलब उसकी साइज हुई कि वो कितना बड़ा है, कितना क्या है। देखो आपको लग रहा है उसमें 10 अध्याय है तो कम से कम 10 पेज तो होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 पेज हो गए क्या? हाँ, 10 अध्याय। तो 10 अध्याय उसमें है, तो आपको लग रहा होगा उसमें 10 चैप्टर होंगे, है ना, लेकिन वास्तव में, एक मिनट, ये क्या हुआ, ये कैसे, अच्छा है, पिन हो गया। अच्छा, तो 10 अध्याय जो है तो आपको लग रहा होगा कि उसमें 10 चैप्टर होने से 10 पेज तो कम से कम होगा, लेकिन 10 पेज भी शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत संक्षेप में लिखा है और एक एक छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सारी बातें आ गई है ना। तो इसलिए तत्वार सूत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। क्या बताया जाए, तत्वार सूत्र जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। दो तीन चार ग्रंथ हैं जो जीवन में जरूर पढ़ने चाहिए। ये समझो कि मनुष्य जीवन का अंत हो जाए उसके पहले पहले ये दो तीन चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो तत्वार सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए, एक समय सार जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। ये दो तीन चीजें जरूर पढ़ना चाहिए। एक दिगंबरों का ही ग्रंथ है, लेकिन पंडित का लिखा हुआ है, किसी आचार्य का लिखा हुआ नहीं है। पंडित महाज्ञानी हुए हैं जिनका नाम टोडरमल हुआ है, पंडित टोडरमल जयपुर में हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो ग्रंथ भी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत आंखें खोलने वाला ग्रंथ है, पंडित जी की नॉलेज बहुत थी, ज्ञान बहुत था। ये दो तीन चार ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, और सरल ग्रंथ पढ़ने हो तो एक छेदाला ग्रंथ है, और बाकी पुराण साहित्य, कथा साहित्य, ये सब पढ़ने कर जैन धर्म का बहुत ज्ञान होता है। लेकिन अभी बात हमारी चल रही है तत्वार सूत्र की, जो कि सूत्रात्मक शैली में है, और कहा जाता है कि पुत्रोत्सवम मन्यन्ते मात्रार्ध लाघवेन, एक मात्रा का आधा भी कम हो जाए तो आचार्य को ऐसा लगता है जैसे पुत्र का जन्म होने पर जो उत्सव होता है उतना आनंद आता है कि चलो मेरा समय बच गया। तो इस प्रकार से ये जो है अत्यंत सूत्र शैली में लिखा हुआ है, और कब लिखा था? 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया, यानी बहुत प्राचीन ग्रंथ है, एकदम नया ग्रंथ नहीं है। आप ये मानकर चलो कि भगवान महावीर को हुए लगभग 2500 साल हुए हैं, तो उनके बाद 500-600 साल के बाद लगभग मोटा मोटी जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ की एक दो और खास बात बताता हूं कि ये तत्वार सूत्र के पहले हमारे जैनों के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब प्राकृत भाषा में ही लिखे थे। कोई भी ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं था, सब प्राकृत में चलता था, सब प्राकृत ही लिखते थे। तो और सुनो, उस जमाने में प्राकृत कॉमन भाषा थी, आम पब्लिक की, कोई भी आदमी, रास्ते चलता आदमी भी प्राकृत बोलता था, सब लोग प्राकृत जानते थे, प्राकृत समझते थे। तो प्राकृत को बहुत हल्की लैंग्वेज मानते थे वो, अरे ये तो, अरे कुछ नहीं, क्रासी लैंग्वेज है, मतलब उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे लोग। जो संस्कृत बोलते थे ना उनको समझते थे ये पढ़े लिखे लोग, क्या समझ गया, प्राकृत बोलने वालों को समझते थे कि ये तो अनपढ़ है, ये तो कॉमन है, कोई बोलता है, गांव की भाषा है तो सब बोलते हैं, और संस्कृत पढ़ बोलते हैं कोई तो समझते ये पढ़ा लिखा आदमी है। तो संस्कृत को लोग अच्छी नजर से देखते हैं और प्राकृत को ऐसे हल्की नजर से देखते थे। तो लेकिन हमारे आचार्यों का ये कहना था, हमको अच्छी और इससे कोई फर्क नहीं है, हमको तो अपनी बात सब सबको पहुंचानी है, इसलिए हमने प्राकृत में उपदेश लिखा है ना।
लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहली बार तत्वार सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा। ये पहला ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा जैनों का है। वो सब लोग जिनके ग्रंथ संस्कृत में होते थे ना, हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के, तो वो संस्कृत में होते थे, तो उन लोगों को लगता था ये जैनों को तो क्या है ऐसे प्राकृत है, अच्छा है ऐसे। तो क्या है कि इन्होंने क्या किया, आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में लिख करके ये दिखा दिया कि नहीं, हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है, हम भी संस्कृत में लिख सकते, देखो हम भी पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने संस्कृत भाषा में सबसे पहला ग्रंथ लिखा तत्वार सूत्र 2000 साल पहले। और दूसरी विशेषता, सूत्र शैली में बहुत छोटा है, उसमें सारे विषय आ गए, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। उसमें 10 अध्याय है, 357 सूत्र हैं, लेकिन तिगम्बर सूत्रामृत के साथ संख्या में थोड़ा फर्क हो सकता है। अब दूसरी बात देखिए कि ये जो तत्वार सूत्र है, इस तत्वार सूत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई। टीका तो समझ रहे हैं आप, व्याख्या साहित्य, कमेंट्रीज लिखी गई। तो वो जो है बहुत कमेंट्रीज लिखी है। तत्वार सूत्र बहुत जगह से प्रकाशित हुआ है, तत्वार सूत्र हर भाषा में प्रकाशित हुआ है, तत्वार सूत्र को हजारों जगह से हजारों लोगों ने हजारों तरीके से और अनेक भाषाओं में लिखा है। लेकिन लिखा तो आचार्य उमा स्वामी नहीं है, बाकी सब में तो कॉपी करके प्रकाशित किया है उसको। व्याख्या अलग हो सकती है, किसी ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो ऐसे उसके ऊपर सैकड़ों काम, हजारों काम अभी तक हो चुके हैं तत्वार सूत्र पर, इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध और ओरिजिनल और बहुत नामी नामचीन टाइप की, मतलब बहुत प्रसिद्ध जो कमेंट्रीज हैं, वो तीन मेजर कमेंट्रीज के मैं नाम आपको बताऊंगा, तीन प्रमुख जो है टीका है। जरा 1 मिनट है, जी नमस्ते, सॉरी थोड़ा ऑफिशियल का काम आया था अर्जेंट, तो सॉरी। अपन वापस वहीं पर आते हैं, बात शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा था कि जो तत्वार सूत्र है उस पर जो है तीन प्रमुख टीकाओं के नाम मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी तीन टीकाएं हैं, है ना। वो तीन टीकाओं के नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो आपको थोड़े मूल शब्द पता लग जाएंगे। टीकाएं, तत्वार सूत्र की टीकाएं, तो तीन टीकाओं में से जो पहली टीका है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि टीका। इसको लिखा है आचार्य पूज्यपाद, आचार्य पूज्यपाद ने लिखी है, और ये लगभग 5वीं सदी में लगभग मान लीजिए आप लिखी है लगभग, ठीक है। दूसरी टीका जो है लिखी है तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ चाहे तो आप पहले जोड़ सकते हैं क्योंकि तत्वार सूत्र की टीका है, वो पूरा नाम उसका तत्वार्थ राजवार्तिक है, और कॉमन उसको जो है राजवार्तिक भी कहते हैं, है ना। अकेले राजवार्तिक भी कहेंगे तो भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन पूरा नाम तत्वार्थ राजवार्तिक है। और इसको लिखा है आचार्य अकलंक देव ने, ठीक है। ये लगभग मेरे ख्याल में मान को चलो 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तब ये जो टीका लिखी गई है। तीसरी जो टीका है वो
वो तत्वार्थ श्लोकवार्थ है, तत्वार्थ भी उसमें पूरा नाम जोड़ सकते हैं और अकेले श्लोक वार्तिक से भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन लिखना तत्वार्थ राज श्लोक वार्तिक पूरा ही लिखना चाहिए मतलब। और इसके रचयिता हैं आचार्य विद्यानंदी, ठीक है, और ये लगभग 8वीं सदी की बात मान ली, ठीक है, 8वीं सदी में लगभग ये टीकाएं रची गई है। ये तीन टीकाएं खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इनमें तत्वार्थ सूत्र के छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया गया है। हम जब क्लास पढ़ाते हैं, देखो तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, आपको मैं क्या बताऊं, कुछ पर्सनल अनुभव होते हैं, वो कैसे होते हैं, मैंने अपने जीवन में कम से कम 25-50 बार, 50 बार नहीं तो 30-40 बार कम से कम तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, 85 भी बार हो गया होगा मतलब, तो 50 बार भी मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी नई नई बात उसमें से समझ में आती है, अरे ऐसा भी है, ऐसा भी है, जब पढ़ता हूं तब अच्छा ऐसा भी है, यानी इतना कुछ उसमें छिपा हुआ है कि वो हर बार पढ़ने पर नया नया सामने आता है। तो तत्वार सूत्र अपने आप में बड़ा गहन विषय है, आज भी मुझे जब तत्वार सूत्र पढ़ाना पड़ता है तो पहले विषय को देखना पड़ता है, चाहे मुझे कितना भी रटना पड़ा है, लेकिन अब मान लो सपोज नहीं भी देखना पड़ा, चलो रट भी गया मैं बिना देखे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया, कोई बहुत गहन का प्रश्न पूछ लिया है, तो उस प्रश्न का उत्तर यदि मुझे नहीं आ रहा है समझो, तो मुझे कहाँ देखना है, इन टीकाओं को देख, इन टीकाओं में उनके उत्तर मिल जाएंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न ले आओ कहीं से भी है तो वो प्रश्नों के उत्तर इन टीकाओं में मिल जाते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये टीका है, और ये टीका बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है, गंभीर है, विशाल है। और देखो तत्वार सूत्र से और अनेक विषयों का जन्म हुआ है, दूसरे दूसरे अनेक सब्जेक्ट डेवलप हुए, नए सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुए तो आपको बताऊं, एक आप ताज्जुब करोगे, मैं आपको यहाँ लिखी लिख करके ही बताऊंगा, तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है सबसे पहले वो बताता हूँ, जब हम ग्रंथ का परिचय देख रहे हैं तो उसका मंगलाचरण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो मंगलाचरण में ले यहाँ लिख ही देता हूँ क्या है, वो क्या है, मोक्ष मार्गश्य, मोक्ष मार्गश्य नेतारम नेतारम कर्म भूभृताम, ठीक है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, ये जो मंगलाचरण है, ठीक है, ये दो लाइन का मंगलाचरण है तत्वार्थ सूत्र का, बस इतना छोटा सा, लेकिन इस छोटे से मंगलाचरण में बहुत रहस्य भरा है, इतना जबरदस्त कि आप सुन करके दांतों तले उंगली दबा ले, एग्जाम्पल से बताता हूं, इस दो लाइन के मंगलाचरण की टीका जब लिखने बैठे आचार्य सामंत भद्राचार्य, ठीक है, तो सामंत भद्राचार्य ने 114 श्लोक लिखे, इन दो दो श्लोक का अर्थ बताने के लिए 114 श्लोक लिख दिए, और वो 114 श्लोक अलग से एक सेपरेट ग्रंथ बन गया, सोचो आप, उस ग्रंथ का नाम है आप्तमीमांसा, और जो एमए के कोर्स में चलता है, एमए में पढ़ाया जाता है, इतना कठिन ग्रंथ है वो, सोचो आप अकेले इन दो लाइन की व्याख्या की, और सुनो आगे, उन उन 114 श्लोकों पर हैं, फिर आचार्य अकलंक देव ने टीकाएं लिखी, उन्होंने कहा भाई 114 भी कम पढ़ रहे हैं, अभी भी अर्थ खुला नहीं है, बहुत अर्थ भरा है अभी, तो उन्होंने उनकी टीका लिखी, और टीका लिखी तो 800 श्लोक प्रमाण, 800 श्लोक प्रमाण टीका लिख दी आचार्य कलंक देव ने, अष्ट सती उसका नाम है, टीका का नाम भी अष्ट सती, अष्ट सती मीन्स 800 श्लोक, तो ऐसी एक टीका लिख दी केवल इन दो लाइन के, फिर और आगे चलो, ये तो 7वीं शताब्दी की बात है, फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी आती है, फिर आचार्य विद्यानंद हुए, 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी हुए, उनको लगा कि अभी भी इसमें बहुत रहस्य छुपा है, ये तो कम खुला है, रहस्य खुला ही नहीं है अभी, फिर उन्होंने उसके ऊपर और टीका लिखी, और इतने टीका लिखी कि श्लोक हो गए 8,000 श्लोक हो गए, 8,000 श्लोकों की टीका का नाम रखा अष्ट सहस्त्री, अष्ट सहस्त्री 8,000 श्लोक प्रमाण केवल इन दो लाइन का मीनिंग बताने के लिए 8,000 श्लोक लिख दिए,
सोचो आप। और पूरे तत्वा सूत्र की टीका लिखते लिखते आचार्य सौमित्र भद्र ने 1 लाख श्लोक लिख दिए। 1 लाख तत्वा सूत्र कितना बताया था? 7-8 पन्ने का। 7-8 पन्ने को समझाने के लिए 1 लाख श्लोक लिख दिए आचार्य सौमित्र भद्र ने। और उस ग्रंथ का नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य, उस गंधहस्ती महाभाष्य का जो मंगलाचरण है, जो 3-2 लाइन की व्याख्या करता है, वो 114 श्लोकों में था। तो 114 के श्लोक तो हमको मिल गए, वो ग्रंथ तो है आज उपलब्ध, लेकिन वो जो गंधहस्ती महाभाष्य है ना, बाकी का पूरा ग्रंथ वो आज उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। कोई बताता है वो जर्मनी में या किसी देश में कहीं है सुरक्षित, लेकिन हमको आज उपलब्ध नहीं है, हम देख नहीं पा रहे कहाँ है वो ग्रंथ। तो कहने का अर्थ, तत्वार्थ सूत्र में बहुत जबरदस्त मीनिंग छुपे हुए हैं। ये जो 2 लाइन को मुझे पढ़ाना पड़े तो 1 घंटा चला जाए इन 2 लाइन को पढ़ाने के पीछे। इन 2 लाइन का मोटा मोटा मतलब मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट में, थोड़ा संक्षेप में, कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, पहले आप देखो इसमें 1 लाइन है ना, एक के आधे आधे टुकड़े करेंगे तो 4 हो जाएंगे, मतलब 2 लाइन के आधे आधे करेंगे 4 टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं 4 चरण। तो पहले चरण में कहा मोक्ष मार्ग से नेतारम, मतलब मोक्ष मार्ग के जो नेता है। दूसरे में कहा भेत्तारम कर्म भूव्रतम, यानी जो कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ डालने वाले हैं, भस्म कर देते हैं कर्मों के पर्वतों को, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तीसरा है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, कि सभी विश्व के संपूर्ण द्रव्यों को, तत्वों को जो जानते हैं, ठीक है। 3 विशेषण बताए, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं, जो विश्व के सभी तत्वों को जानते हैं, उनको वंदे तद्गुण लब्धे, उनको वंदे यानी नमस्कार करता हूं, लेकिन क्यों करता हूं कि तद्गुण लब्धे। उनके जो ये 3 गुण बताए हैं, ये 3 जो गुण हैं उनके, इन गुणों को मैं भी प्राप्त कर लूं इसके लिए नमस्कार कर, ये मीनिंग है इसका। लेकिन अब इस मीनिंग में भी बहुत मीनिंग निकलते हैं, इसमें भी मीनिंग बहुत निकाल सकते हैं, अभी और भी कई मीनिंग निकल जाएंगे। अभी इसमें कहा एक जो ईश्वर होता है, गॉड, जैनिज्म में भगवान जिसे कहते हैं, उसके अंदर 3 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी है वीतराग, दूसरी सर्वज्ञ, तीसरी हितोपदेशीपना। ये 3 क्वालिटी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अब मोक्ष मार्ग के नेता है मतलब कौन सी, हितोपदेशी हो गए हैं, यानी कि वो हित का उपदेश देंगे तभी तो मोक्ष मार्ग के नेतृत्व करेंगे, वो तो हितोपदेशी बना हो गया। कर्म पर्वतों का नष्ट भ्रष्ट करेंगे तभी वो वीतरागी होंगे, तो दूसरा गुण आ गया वीतरागी। और समस्त विश्व के तत्वों को जान लेंगे तो ये सर्वज्ञ बना हो गया। तो 3 गुण आ गए कि नहीं आ गए, तो ये दूसरा मीनिंग हो गया इसका, यानी कि 3 गुणों को देखो किस हिसाब से सेट किया है कि वो यहाँ भी आ गए। अच्छा, और अगला मीनिंग बताता हूँ आपको। मोक्ष मार्ग के नेता, यानी जिन्होंने मोक्ष खुद प्राप्त कर लिया, यानी कि जो मुक्त हो गए, यानी भगवान बन गए, देव, देव शास्त्र गुरु, ये 3 का बड़ा महत्व है जैन धर्म में। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु की पूजा भी होती है। तो देव आ गए, पहले चरण में कौन आ गए? देव आ गए। मोक्ष मार्ग से नेतारम यानी देव, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, जो कर्मों को नष्ट करने में लग रहे हैं, तो वो कौन है? साधु। तो देव शास्त्र हो गए ना वो, सॉरी गुरु, गुरु हो गए। और ज्ञातारम विश्व तत्व, तो समस्त शास्त्रों का, तत्वों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में मिलेगा, तो इसमें शास्त्र आ गया। तो देव शास्त्र गुरु तीनों भी आ गए 3 चरणों में, है ना। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया, एक और अलग, और चाहिए तो और चौथा मीनिंग ले लो फिर आप, एक और मीनिंग निकल जाएगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम, कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी कि जो महापुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, यानी प्रथमान योग, प्रथमान योग आ गया, 63 सला का महापुरुष सब मोक्ष मार्ग के नेता हैं, तो प्रथमान योग आ गया, ठीक है। 4 अनुयोग है ना जैन धर्म के, तो पहला अनुयोग पहले चरण में आ गया। फिर भेत्तारम कर्म भूव्रताम, कि सभी कर्मों को जो नष्ट करने वाले हैं, कर्म प्रकृतियों का चित्रण कहाँ मिलता है? करुणानि योग में मिलता है, तो दूसरा करुणानि योग आ गया। फिर ज्ञातारम्भ विश्व तत्वानाम, तत्व कहाँ होते हैं? तत्व तो द्रव्यानि योग में होते हैं, तो द्रव्यानि योग आ गया। और वंदे यानी वंदन करना, ये आचरण पर क्रिया है, तो ये चरुणानि योग आ गया। तो 4 चरण में 4 अनुयोग आ गए, पूरी द्वादश हिनवाणी आ गई,
तो इस अकेले एक श्लोक में सारा जिनवाणी समा जाती है, पूरी समझ जिनवाणी जो कहना है सब अकेले एक श्लोक में कह दो। आचार्य उमा स्वामी के पास न जाने क्या शक्ति थी, किस प्रकार उन्होंने काम किया कि कम से कम शब्दों में पूरी द्वासांग जिनवाणी को ये कोशिश की कि मैं इस थोड़े से शब्दों में डाल दू। ऐसा है वो कहते हैं ना, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वैसी हालत। छोटे छोटे शब्दों में महासमुद्र भरने की कोशिश की हुई है। ऐसा है तत्वार सूत्र, उसमें से मीनिंग निकालते जाओ निकालते जाओ, निकलता नहीं है पूरा, इतना जबरदस्त है तत्वार सूत्र। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत गंभीर बात। तो इस प्रकार से ये जो तत्वार सूत्र है वैसे मूलतः संस्कृत भाषा में है, लेकिन आज इसका जो अनुवाद, इसकी व्याख्या, इसकी कमेंट्री, वो लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में उपलब्ध होती है। ये दुनिया के सभी संस्थाओं में जहां भी जैन धर्म पढ़ा पढ़ाया जाता है वहां पर जरूर पढ़ाया जाता है, कोर्स में होता है। इसमें जैन धर्म के लगभग सभी बिंदु, सभी विषय, सभी प्रकरण समाहित हैं। इस पर अनेक टीकाएं लिखी हुई हैं, सैकड़ों टीकाएं हैं आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्राचीन टीकाएं जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है और जो गूढ़ गहन गंभीर है प्रामाणिक है, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अभी, है ना। और इस ग्रंथ का जो परिमाण है वो मैंने बताया कि इसमें 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। इसकी भाषा मैंने बताई संस्कृत है, और इसमें इसका जो दूसरा नाम, इस ग्रंथ का जो दूसरा नाम, आप निरंजन जी शायद बीच में चले गए थे तो उस दौरान निकल गया था कि दूसरा नाम भी है इस ग्रंथ का, और वो जो दूसरा नाम है वो है मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। तो इसी ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, इसी को तत्वार सूत्र कहते हैं। मोक्ष शास्त्र इसलिए कहते हैं कि इसकी शुरुआत भी मोक्ष मार्ग से हुई है और अंत भी, समापन भी मोक्ष मार्ग पर हुआ है, क्योंकि जीव की जो यात्रा है वो मोक्ष होने पर ही पूरी होती है, उसके पहले होती नहीं है। तो इसलिए ये बात भी यहाँ पर कही है। और जो बड़े बड़े फेमस सूत्रात्मक वाक्य आज आप देखते हो, हमारा आप देखते हो जैन कॉस्मोलॉजी का एक वो सिंबल होता है, जैन सिंबल होता है, उस तो सिंबल के नीचे आपने देखा होगा लिखा रहता है परस परोग्रहो जीवाना। तो वो कहाँ मिलता है, कहाँ से लिया है, वो इसी तत्वार सूत्र से लिया। इसी तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में वो सूत्र हमको मिलता है परस परोग्रहो जीवाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी, इसी शास्त्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है। तो इस प्रकार कुछ बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छे जो सेंटेंस हैं वो भी हमको सूत्र भी इसी तत्वार सूत्र में मिलते हैं। इस तत्वार सूत्र की विषय वस्तु भी मैंने बताई थी, इस 7 तत्वों की थीम पर बना हुए पूरे 10 अध्याय हैं, और उनका मैंने क्रम भी आपको यहाँ पर दिखाया था। एक बार फिर से दिखा देते हैं चाहिए तो, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये जो है ये क्रम है जीव, इसमें जो है पहले से 4 अध्याय में जीव का वर्णन है, 5वें में अजीव का है, 6वें 7वें में आश्रव का है, 8वें में बंध का है, 9वें अध्याय में संवरण निर्जरा दोनों का है, और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार से 7 तत्वों का वर्णन होने के कारण इसका नाम तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ रखा गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें, खास खास बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई है, तत्वार सूत्र के बारे में। मैं समझता हूँ कि इससे जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तत्वार सूत्र कैसा ग्रंथ है और उसकी क्या महिमा है। बस आपको एक नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि तत्वार सूत्र क्या है। अब ये नॉलेज हो गई तो आपको जिज्ञासा अपने आप हो ही जाएगी, जिज्ञासा होगी तो आप इसको पढ़ ही लेंगे भविष्य में कभी, है ना। तो वो कभी पढ़ेंगे, अगले साल डिप्लोमा में इसका एक चैप्टर सैंपल के लिए रखा गया है, एक चैप्टर है, फिर आप एमए करेंगे तो उसमें पूरे चैप्टर भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तत्वार सूत्र को जरूर लिखना चाहिए। तो ये एक तत्वार सूत्र का परिचय अपना लगभग हो गया, ठीक है, मोटा मोटी किया है। हाँ पूछिए। सर ये जो मतलब ये एक लक्ष सूत्र वाला जो हमारा ग्रंथ है, तो हाँ उसका कहीं कुछ ट्रेस या उससे कनेक्टेड कुछ और कुछ भी उसका लिंक नहीं मिलता है क्या सर हमें? हाँ मिलेगा ना आपको, जैसे थोड़ा थोड़ा जानना हो केवल सूत्र और उसका सामान्य अर्थ ऐसा जानना है तो आप गूगल पे भी तुरंत मिल जाएगा, एकदम तुरंत, कोई नहीं बड़ी नहीं बात। वो जो एक हाँ लक्ष वाला जो ग्रंथ मिल नहीं रहा है हमारा। हाँ गंध अस्थि महावाशी वाला। हाँ 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 तो इसके उसका लिए ऑलरेडी कोई कुछ काम कर रहा है क्या सर, कोई संस्था या कोई जिससे हाँ कुछ वैसा? सुना तो है कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ सुना है कि वो जर्मनी में है, लेकिन वो कहाँ है, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में कोई सक्रियता संबंधी कोई मेरे ख्याल में नहीं है जानकारी।
इतना ही सुना है कि वो वहां है, लेकिन कैसे मिलेगा इस बारे में कोई जिक्र हुआ नहीं है कभी। कोई इस बारे में काम करे तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रंथ तो मिलना चाहिए, उसमें कुछ बहुत ज्ञान की बातें होंगी। 1 लाख श्लोक बहुत बड़ी बात है, तो गंभीर विषय है वो तो एकदम। चलो जी, एक टॉपिक तो हो गया अपना, ठीक है। केवल परिचय देना था मेरे को, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने पढ़ाने में साल भर लग जाते हैं। हमने यहाँ पर 1 साल पढ़ाया था, तो मैं क्या है कि वीक में 2 दिन क्लास 2-2 घंटा लेता था। सोमवार को 2 घंटा, मंगलवार को 2 घंटा, 4 घंटा क्लास लेता। और ऐसा मैंने लेता रहा, मुझे 8-10 महीने लग गए ऐसा। तो 4-4 घंटे पर वीक पढ़ाते पढ़ाते 8-10 महीने लगे कम से कम, तब जाकर के वो तत्वा सूत्र मैंने इनको पढ़ाया, और उसमें भी मैंने 2 चैप्टर कम पढ़ाए हैं, तब जाके इतना हुआ है। यदि वो भी पढ़ाऊं तो पूरा 1 साल मान लो आप, 1 साल कम से कम लगता है। 4-4 घंटे भी, यानी 1-1 घंटा भी हर रोज पढ़ाए तो 1 साल लग जाता है, ये हालत है। इतना इतना, अरे ये तो हम जैसे लोगों की बात है, हमसे ज्यादा विद्वान है तो उनको जाने कितना टाइम लग सकता है, मतलब कई साल भी लग जाए, इतना इतना इसके अंदर जो है ज्ञान भरा हुआ है तत्व सूत्र के अंदर। बहुत गंभीर विषय है ऐसे। चलो जी, एक विषय हो गया, अब हमारे पास समय है, 1 घंटा और है, और एक दूसरा ग्रंथ का परिचय और देख लेते हैं। छोटा सा ग्रंथ है, ये भी छोटा ही है, पहला वाला भी छोटा था, दूसरा वाला भी छोटा ही है। दूसरा जो है उसका नाम है भक्तामर सूत्र, सॉरी भक्तामर स्त्रोत्र, भक्तामर स्त्रोत्र। तो ये जो भक्तामर स्त्रोत्र नाम का जो क्या बोलते हैं स्त्रोत्र है, इस स्त्रोत्र का भी परिचय आज अपन कर लेते हैं, संक्षिप्त में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है कि इस स्त्रोत्र का नाम भक्तामर क्यों है, प्रश्न यही होता है। वह स्त्रोत्र है, उसका नाम भक्तामर क्यों नाम रखा, क्या जरूरत थी भक्तामर नाम रखने की, कोई और नाम रख सकते थे, कोई नाम दूसरा नहीं रखा, तो यही नाम क्यों आया। तो उसका उत्तर ये है कि जितने भी स्त्रोत्र हैं, अकेले भक्तामर नहीं, जितने भी स्त्रोत्र हैं उन सबके नाम आप गौर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। जैसे मान लो उपसर्ग धर्म स्त्रोत्र है, उसका आपको मालूम हो, यदि उस जैसे मान लो आपको स्त्रोत्र पता होगा तब तो आप पहचान जाएंगे, और पता नहीं होगा तो नहीं पहचान पाएंगे। तो मैं खुद ही बता देता हूँ, जैसे उपसर्ग कर्म स्त्रोत्र है, उसका पहला अक्षर है उपसर्ग कर्म, पहला शब्द उपसर्ग कर्म, उपसर्ग कर्म से वो स्टार्ट होता है, इसलिए उसका नाम उपसर्ग कर्म। ठीक है, नीचे से बहुत आवाज आ रही है, इसलिए थोड़ा खिड़की बंद कर। देखो तो उपसर्ग धर्म ऐसा शब्द से स्टार्ट हुआ, इसलिए उसका नाम उपसर्ग धर्म स्त्रोत्र। कल्याण मंदिर स्त्रोत्र का स्टार्ट कल्याण मंदिर शब्द से हुई है, इसलिए कल्याण मंदिर नाम। विषापहार स्त्रोत्र की शुरुआत विषापहार नाम से हुई है, इसलिए उसका नाम विषापहार। भक्तामर की स्टार्ट भक्तामर शब्द से हुई है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो कहने का अर्थ, जिस शब्द से स्टार्ट जो स्तोत्र होता है उसका नाम भी वही हो जाता है, ये इसके पीछे की कहानी। जैसे मान लीजिए, मैं एक अपने बचपन का एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपको फिर समझाता हूँ कि हमारे घर में एक भैंस थी, भैंस पालते थे हम, गाय भैंस होती है, भैंस बफेलो। तो वो जो गाय भैंस, हमारा एक दूसरा प्लॉट था, उसमें एक कमरा था, उस कमरे में मतलब टूटा फूटा है थोड़ा, कच्ची जमीन वाला, उसको भैंस बांधते। तो वो जब बाद में भैंस चली गई और सब बहुत वर्षों के बाद वो मकान डेवलप हो गया, पक्के कमरे बन गए, उसके भी बहुत वर्षों बाद तक भी हम उस कमरे को क्या कहते हैं, वो भैंस वाला कमरा। अभी भैंस नहीं है, लेकिन अभी भी उस कमरे का नाम क्या है, वो भैंस वाला कमरा। तो इसी प्रकार से वो स्तोत्र भक्तामर नाम से शुरू हुआ। पहले आचार्य क्या करते थे, स्तोत्र लिख देते थे, उसका कोई नाम नहीं रखते, स्तोत्र का कुछ भी नाम नहीं रखते, सिर्फ स्तोत्र लिख दिया, कोई नाम नहीं। अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो लोग वो जो पहला शब्द है, अरे वो भक्तामर वाला स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र।
कल्याण मंदिर वाला स्टोव, कल्याण मंदिर स्टोव छोड़ लो, पुस्तक गर्म वाला पुस्तक गर्म स्टोव, तो जो पहला नाम है उसी से उसका नाम पड़ जाता है। इसके पीछे की कहानी। लेकिन अब प्रश्न दूसरा है कि ये तो हो गया नाम, लेकिन इसमें ये कैसे समझ में आएगा कि स्तुत कौन से तीर्थंकर की स्तुति है भाई? वो तो नाम नाम तो लिखना चाहिए, और नाम है नहीं, ये तो स्तुत का पहला शब्द है, तो इससे हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन से भगवान की स्तुति है? तो इसके पीछे देखो, ये जो स्तोत्र जो लिखा गया है भक्तामर स्तोत्र, ये है भगवान ऋषभ देव की स्तुति। यदि इस स्तोत्र का दूसरा नाम हमको करना हो तो इस स्तोत्र का नाम है आदिनाथ स्तोत्र या ऋषभ देव स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र को आपने कभी दूसरे इन शब्दों में आज तक नहीं सुना होगा। यदि आप बोलो कि हम तो आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे क्या पढ़ रहे हो, कोई समझेगा नहीं। आप बोलोगे कि मैं भक्तावर पढ़ रहा हूं, तो झट से समझ जाएंगे सब। तो कहने का अर्थ, इस स्तोत्र का दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र या ऋषभदेव स्तोत्र है, लेकिन दुनिया इस नाम से इसको नहीं जानती है, दुनिया तो सिर्फ भक्तामय स्तोत्र के नाम से जानती है। ठीक है, अब प्रश्न ये होता है कि इसमें आदिनाथ का कहीं नाम आया है क्या? नहीं आया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है? पूरे भक्तामर स्तोत्र में कहीं पर भी ना तो आदिनाथ का नाम आया है ना ऋषभदेव का नाम आया है, तो भी हम इसको ऋषभदेव का स्तोत्र इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो पहला छंद, पहला या दूसरा है, उसमें ये लिखा है प्रथमम जिनेन्द्र। क्या लिखा है? प्रथमम जिनेन्द्र, प्रथमम यानी पहला, पहले जो भगवान है, पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनकी ये स्तुति। तो इसलिए हम इसको भगवान ऋषभदेव का स्तोत्र मान सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्रथम शब्द को इग्नोर कर देंगे, प्रथम शब्द को आप इग्नोर कर देंगे, तो आप इसी स्तोत्र को किसी भी तीर्थंकर की स्तुति के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। प्रथम की जगह द्वितीयम कर दीजिए, द्वितीयम जिनेन्द्रम अजितनाथ का बन जाएगा स्तोत्र, तृतीयम जिनेन्द्रम संभवनाथ जी का बन जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, सिर्फ एक शब्द जो वो प्रथम है उसकी वजह से ये आदिनाथ का स्तोत्र है, वरना आप इसको किसी भी तीर्थंकर के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। बस एक थोड़ी सी और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस स्तोत्र में जब आगे चलकर के आचार्य ने भगवान ऋषभ देव के शरीर का वर्णन किया है, तो उनके शरीर को सोने की कांति जैसा बताया है, सोने के जैसा एकदम चमकता हुआ उनका शरीर बताया है। लेकिन ऐसा शरीर 16 तीर्थंकरों का था, 24 तीर्थंकरों में से 16 तीर्थंकर ही कंचन वर्णनी थे, सोने के रंग के थे, बाकी 8 तीर्थंकर अलग अलग रंग के थे। तो बस इस चीज का और ध्यान रखना है, बाकी चीज का ध्यान, बाकी तो सब ये फिर 24 तीर्थंकरों का स्तोत्र बन जाता है। तो ये तो इसका जो है आपको मैंने क्या बताया, नामकरण बताया कि इसका नाम कैसे पड़ा, है ना? तो इसका नाम पड़ा पहले शब्द से, जो पहला शब्द है उससे पढ़ा। ठीक है, और फिर इसमें स्तुति है भगवान ऋषभदेव, और वो कैसे पता चला कि प्रथम शब्द से चला। यदि प्रथम की जगह द्वितीय करेंगे तो दूसरे तीर्थंकर हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे, चौथे हो जाएंगे, बस ऐसे करके इस स्तोत्र के बारे में। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र का परिचय पढ़ने की क्या जरूरत है? भक्तामर स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत लोकप्रिय है, सब लोग इसका पाठ करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा नियम है कि वे भक्तामर का पाठ किए बिना कुछ भोजन ही नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो भक्तामर स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत लोकप्रिय है, ऐसा जो है ये स्तोत्र है ना, इसलिए हमको भक्तामर का ज्ञान करना जरूरी है। दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर, वो भक्तामर स्तोत्र, तत्वा सूत्र, नमोकार, ये तीन चार चीजों में कोई मतभेद, कोई डाउट नहीं है, सब एक मत से इनको स्वीकार करते हैं, इसलिए भक्तामर का परिचय भी हमको अवश्य होना चाहिए। हम यदि भक्तामर का प्रतिदिन पाठ करें तो हमारे अंतर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है जो सारी नेगेटिविटी को दूर करती है, सारे संकटों को ऑटोमेटिकली दूर कर देती है, सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। ये मंत्र के समान काम करने वाला स्तोत्र है, इसमें जो है चमत्कार भरा हुआ है,
अभी तो वैज्ञानिकों ने जो है कुछ ऐसे प्रयोग करके, मतलब वैज्ञानिक तो मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनुसंधान करता हूं मैं, कुछ अनुसंधान करता हूं ने ऐसे प्रयोग करके और ये सिद्ध कर दिया है कि इस भक्तामृत स्तोत्र के अंदर विविध रोगों को दूर करने की शक्ति है। और उन्होंने प्रयोग किया कि भक्तामृत स्तोत्र का जो 45 नंबर का श्लोक है, 45 नंबर का, 45 नंबर का जो कलर, मतलब क्या बोलते हैं, श्लोक है, उस श्लोक का निरंतर पाठ करने से कैंसर जैसी महामारी, महाबीमारी, उससे भी जो है छुट्टी मिल गई है, छुट मिल गई, वो सही हो गया, मरीज सही हो गया। डॉक्टर डॉक्टर्स ने बोला कि ये जो है महा भयानक बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, लेकिन उस बीमारी से भी उसको जो है मुक्ति मिली। इस प्रकार से भक्तामृत स्तोत्र की भी अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा महा है। पायल जी आप जरा थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है ना आपको बराबर? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हमारा जो है ना आज दो, एक एक घंटे के दो टॉपिक थे, है ना, और एक टॉपिक था तत्वार्थ सूत्र का परिचय और दूसरा है भक्तामृत स्तोत्र का परिचय। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपने जैन ग्रंथ हैं, तो जैन जानकारी की दृष्टि से। तो पहला वाला हो गया है, रिकॉर्डिंग हमने किया है, आपको दे देंगे, और दूसरा ये चल रहा है भक्तामृत स्तोत्र का परिचय। भक्तामृत स्तोत्र तो आपने सुना ही होगा ना। हाँ सर, मतलब मम्मी ने बताया था कि बहुत पावरफुल सूत्र है, जैसे गायत्री हाँ मंत्र है, बट हाँ मुझे कभी मैंने बोला नहीं है, सुना है हाँ सिर्फ। अच्छा, थैंक यू सर, आज मेरा काम था, शूट था, इसके लिए आई एम वेरी जी सॉरी। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भक्तामृत सूत्र है वो अत्यंत चमत्कारिक, अक्षयकारी और पावरफुल एक मंत्र है, और ऐसी ऐसी बात करने से थोड़ा सा दुनिया का ध्यान ऐसा चला जाता है कि अच्छा इसमें इतनी शक्ति है तो हम अपने रोग ठीक कर लेंगे, हम अपना व्यापार बढ़ा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन पता है ये सब करने से इस स्तोत्र का जो वास्तविक फल मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम पहले से ही कामनाओं में फंस जाते हैं, आकांक्षाएं, एम्बिशंस क्या बोलते हैं, अपने जो इच्छाएं वो हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि अच्छा मेरा काम होगा, अच्छा मेरे रोग दूर हो जाएंगे, अच्छा मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, अच्छा मेरे शत्रु दूर हो जाएंगे। हम पहले से ही भगवान से उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं ना, ये ठीक नहीं है। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। आप किसी से दोस्ती कर लेते हो, फिर शर्त रहती है क्या? दोस्ती में शर्त नहीं होती है। जहां शर्त होती है वहां दोस्ती नहीं होती है। तो ऐसे ही जहां भक्ति होती है वहां ये कामनाएं नहीं होती है, और जहां कामनाएं होती है वहां भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो निश्चल होती है, निष्काम होती है, उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्ति यदि करेंगे तो इतना पुण्य मिलता है, इतना पुण्य मिलता है कि उस पुण्य से ऑटोमेटिक हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम पहले से ही कामना लेकर काम करेंगे तो वो पुण्य भी नहीं मिलेगा, और पुण्य नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं होगा। फिर लोग शिकायत करते हैं कि हम तो भगवान की रोज भक्ति करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं मैं कितने दिन से भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे काम सिद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम पहले से कामना लेके चल। जो निष्काम भक्ति करता है उसको इतना पुण्य मिलता है कि उसके सब काम स्वयं होता है। कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नृत्य समान। कहते हैं कि आपको जो चाहिए धर्म अपने आप देता है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। आपको क्या चाहिए, आपके हित में क्या अच्छा है, वो बिना मांगे, बिना सोचे, बिना कामना करे धर्म से अपने आप मिल जाता है। इसलिए देखो हमारी बुद्धि है थोड़ी, हमको दिखता है थोड़ा, हम तो वर्तमान में देखते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। क्या पता जिसको मैं बुरा समझ रहा हूँ वो अच्छा हो जाए, और जिसको अच्छा समझ रहा हूँ वो बुरा हो जाए, मुझे तो पता नहीं। लेकिन भगवान को तो पता है ना, हालांकि भगवान जैन धर्म में करने वाले नहीं है, लेकिन धर्म से ऑटोमेटिक वो काम होगा जो हमारे हित में होगा। हमारे मांगने पर हो सकता है गलत डिसीजन हो जाए, क्योंकि हम गलत डिसीजन कर सकते हैं कि हमारा धर्म गलत डिसीजन नहीं करेगा, वो हमको वही देगा जो हमको चाहिए। तो इस प्रकार से हाँ निरंजन जी कुछ कहना चाहिए, बताइए। सर, इसमें धर्म का मतलब एग्जैक्ट क्या लेना है सर? हाँ धर्म का अर्थ ये है, देखो धर्म मतलब
यहाँ अभी तो स्तुत्र की बात चल रही, तो स्तुत्र के अर्थ में बताता हूँ, वैसे धर्म का मीनिंग भी बता दूंगा। तो स्तुत्र कहते हैं गुणेशु अनुराग भक्ति, गुणेशु अनुराग भक्ति यानी कि जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों में अनुराग करना। अरे वाह, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, तो मित्र मान लो कैसे भी कपड़े पहन के आ जाए या कैसे भी आ जाए, आपको मित्र जैसे ही आ गया खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है आप उससे, अरे वाह क्या अच्छे लग रहे हो, आज तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, अरे तुम तो बोलते भी बहुत अच्छे हो, तुम तो मुस्कुराते भी अच्छे हो, मतलब यही सब बातें होती है। तो इसी प्रकार भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों में अच्छे अनुराग उमड़ना, अच्छे प्रेम उमड़ना, अरे वाह आपके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है, आप तो केवल ज्ञानी है, आप सर्वज्ञ हैं, अरे मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। तो ये सब प्रेम जो होता है अंदर से, ये वास्तविक भक्ति होती है। धर्म क्या है? आत्मा को पहचानना, वो धर्म है। हे भगवान आपने आत्मा को पहचाना है इसलिए आप ऐसे बन गए, कल को मैं भी आत्मा पहचानूंगा, मैं भी आप जैसा बन जाऊंगा। तो इस प्रकार आत्मा का स्वभाव है, उसको पहचान लेना, वही असली धर्म है। क्रिया कांड में धर्म नहीं होता है, क्रिया कांड तो उस धर्म में सहायक है, इसलिए करनी पड़ती है। जैसे मान लो आप मंदिर में जाके ऐसी, जैसे मान लो बारात में जाते हैं तो हाथ हिलाते चले गए हैं, और एक आप लिफाफा साथ में लेके गए, तो फर्क पड़ता है। यदि आप किसी राजा से मिलने जा रहे हैं और साथ में भेंट लेके जा रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, एक खाली याद गए तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो क्रिया कांड है, ये तो उसमें सहायता करने के लिए हमने बना दी है, बाकी इसका फल ज्यादा नहीं है, फल तो भावों का है, भावों से सीधा संपर्क जुड़ता है। तो कहने का अर्थ, जो भक्ता में स्तुत है उसमें गुणों की पूजा होती है, गुणों की स्तुति होती है। भगवान ऋषभदेव कैसे हैं, उनके कैसे गुण हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, जिस समासन में बैठे हैं वहां पर क्या क्या है, वहाँ छत्र लगा है, चमर लगा है, आभा मंडल है, सिंहासन है, अशोक वृक्ष है, तीज, ये सारी चीजों का वर्णन इस भक्तामृत स्तोत्र में आता है। भक्तामृत स्तोत्र जो है ये क्या है? ये एक स्तोत्र है जिसमें किसकी स्तुति है, कि जिसमें पहले तीर्थंकर की स्तुति है। ये किस भाषा में लिखा है? कि संस्कृत भाषा में लिखा है। ये गद्य में है कि पद्य में है? कि ये पद्य में है। कि कितने श्लोक हैं इसमें, क्या परिमाण है इसका, कि इसके हैं 48 श्लोक, 48 श्लोकों में लिखा, लेकिन थोड़ा, हाँ बताइए, तो प्राकृत में नहीं लिखा, संस्कृत में है वो। हाँ प्राकृत में नहीं है ये, संस्कृत में है। हमारे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत में है, लेकिन कुछ स्तोत्र ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, कुछ कमेंट्रीज हैं ग्रंथों की वो भी संस्कृत में है। तो वो बता रहे हैं कि किस भाषा में, तो ये हमारा संस्कृत भाषा में, प्राकृत में नहीं। और इसमें कितने छंद हैं? 48 हैं, 48 छंद हैं, लेकिन कोई कोई, जैसे श्वेतांबरों में भी तीन संप्रदाय होते हैं ना, जैसे कौन कौन होते हैं, स्थानक वासी होते हैं, देरावासी होते हैं, ऐसे दो तीन होते हैं, तो उसमें भी कोई एक संप्रदाय ऐसा है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है एकाएक, तो वो जो संप्रदाय है 4 श्लोक कम मानता है, 44 मानते हो, 44 मानते हो, 4 श्लोक कम मानते हैं। पर तो वो, स्थानकवासी क्यों मानेंगे भक्तांबर, उसमें तो भगवान। हाँ, नहीं मानते सब हैं, स्थानकवासी संप्रदाय भी, देखो क्या है, आपने प्रश्न किया इसलिए बोलता हूँ, बाकी क्या है, स्थानकवासी संप्रदाय में भी भले ही वो कहते हैं कि हम प्रतिमा नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं, इनडायरेक्टली मानते हैं। और उनका कैसे वो हुआ था वो बताता हूँ, कि एक लुंका शाह नाम के जब आचार्य हुए थे, उस जमाने में यहाँ पर मुस्लिमों का शासक था, मुस्लिम देश में मुस्लिम शासक थे, और वो क्या करते थे, जैसे औरंगजेब वगैरह मंदिर मूर्तियों को तोड़ते थे, मंदिरों को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो, शास्त्रों को जला दो, तो ऐसी स्थिति चल रही थी हमारे देश में, बहुत मुश्किल हो रहा था धर्म। तो लुंका शाह जी ने उस देश काल परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया कि भाई हमारे मंदिर टूट जाएंगे, मूर्ति टूट जाएगी, उनका छुपा दो, मूर्तियों को जमीन में डाल, ऐसा दबा दो है। तो वो क्या है कि उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसे ही ऐसे निष्काम भक्ति करो, मूर्ति की जरूरत नहीं है ऐसा। लेकिन अखर चर्चा वहां पर भी मिलती है। तो कहने का अर्थ, वो भले अर्चा जैसे भक्तामर स्त्रोत्र को बोलेंगे जरूर, जरूरी नहीं है कि सामने मूर्ति हो, बिना मूर्ति के भी बोल सकते हैं, स्थानक में बैठ के भी बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ, भक्तामय स्तुत भावों से जुड़ा है, सामने मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो भी चलेगा। देखो कुछ लोग कहते हैं भक्तामय स्तुत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको बस में ट्रेन में कभी बोले नहीं बोले, हम प्लेन में जा रहे हैं तो बोले कि नहीं बोले,
इसलिए चटाई बिछा के बैठे तभी बोलना जरूरी है क्या, नहा के बोले या बिना नहा के बोले, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो आप बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप तो मन प्रसन्न होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, फिर आप बोल सकते हैं। देखो आपका मन शुद्ध है, मन प्रसन्न है, आप कहीं भी बोलिए, कभी भी बोलिए, दिन में बोलिए, रात में बोलिए, आप रात को भी भक्तामर स्तोत्र बोल सकते हैं। है? आप देखो पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिवा, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, स्नान किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, आप मुंह झूठा है, नहीं है, आप बोल तो सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या करना है, लेकिन क्या होता है कि जब आप अशुद्ध स्थान पर हैं, मान लो आप ऐसी जगह पर हैं जहां स्थान अशुद्ध है, आप भी अशुद्ध हैं, आपका मुंह भी झूठा है, ठीक है, तब आप भक्तामर बोले कि नहीं बोले, ऐसा प्रश्न होता है ना, तो आपको क्या करना है, आप भक्तामर का स्मरण करिए, मन मन में बोलिए, मन में जाप चलता है ना, ऐसे मन में, अंतर मन में जाप चलता है, मुंह से उच्चारण नहीं करना है, ऐसा ध्वनि बाहर नहीं निकालनी है, आवाज साउंड नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंदर में बोलते रहे चुपचाप। तो कहने का अर्थ आप स्मरण तो कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई मना नहीं है। तो इस प्रकार से भक्तामर स्तोत्र का जो परिचय है वो आपको दिया जा रहा है। हाँ कुछ पूछना है आपको पायल जी? सर मैं यही पूछ रही थी कि भक्तामर में ऐसे जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं कि कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत पावरफुल है, कुछ उसमें कुछ हम सोचते हैं तो हो जाते, तो देयर इज अ टाइम, तो भक्तामर में ऐसा कोई ऐसी कोई रूल्स नहीं है, बोल सकते हैं? हाँ वही बताना था कि बहुत लोग क्या है, भ्रांति है, बहुत लोगों को भ्रांति, देखो क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं अरे भक्तामर को पढ़ो मत क्योंकि भक्तामर संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा हमको आती नहीं है, हम पढ़ेंगे तो अशुद्धि होगी, अशुद्धि होगी तो असाधना होगी, इससे अच्छा हम पढ़ोगे। अब अच्छा है क्या ऐसा? ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे मान लो मैं क्या बोलते हैं स्विमिंग सीखना है मुझे, ठीक है स्विमिंग सीखना है, और मैं जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ देखो भाई मुझे तैरना तो सीखना है लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, पानी में उतरूंगा नहीं। तो मेरा कोच बोलता है देखो भाई तुम पानी में नहीं उतरोगे तो तैरना नहीं सीखोगे, और मैं कहता हूँ पहले तैरना आ जाएगा तो पानी में उतरूंगा, वो बोलता है पहले पानी में उतरोगे तो तैरना आएगा, अभी बताओ क्या करेंगे। तो ऐसे ही भक्तामर स्तुत को आप पढ़ोगे नहीं तो उच्चारण शुद्ध आएगा नहीं, और वो कहते हैं हमको शुद्ध उच्चारण आ जाए तो हम पढ़ेंगे, समझे? अभी आप बोलते हो कि मैं शुद्ध बोलना आएगा तो भक्तामर पढ़ूंगा, और हम कहते हैं कि आप भक्तामर पढ़ोगे तभी तो शुद्ध बोलना आएगा, बच्चा शुरू में गलती करेगा, साइकिल चलाना सीखते गिरते भी हैं एक दो बार, तो इसलिए घबराइए मत, लेकिन उसका ये लापरवाही भी मत हो जाइए, अच्छा मुझे छूट मिल गई मैं अशुद्ध बोलूंगा, ऐसा नहीं, आप बोलने की कोशिश करिए फिर धीरे धीरे शुद्ध भी आएगा। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही आपको क्या करना है कि ऐसा मत सोचिए कि मैं पढ़ूंगा नहीं, कभी भी बोल सकते हैं, आपका मन प्रसन्न है, भाव शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, आपको ईश्वर के गुणों का स्मरण करना है, तो आपको कौन रोक सकता है, कोई देश काल परिस्थिति टाइम किसी चीज की बंदिश थोड़ी है, कभी भी बोलिए रात को भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का तमर स्त्रोत बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, और बोलना चाहिए, हर रोज बोलना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर, वो मंत्र भी है और भक्ति भी है, डबल काम उससे होते हैं। लेकिन आप मंत्र की दृष्टि से मत पढ़ना, भक्ति की दृष्टि से पढ़ना, मंत्र का काम तो अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन मंत्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो भक्ति रह जाएगी साइड में, है कि नहीं, फिर एक ही काम होगा। तो आप दोनों काम चाहते हैं तो भक्ति की दृष्टि से पढ़ो, मंत्र भी हो जाएगा, तो डबल काम होंगे। तो भक्तामर स्तोत्र जो है उसमें देखो नाम मैंने आपको बताया, नाम क्यों है उसका भक्तामर, किसकी स्तुति है वो बताया, भाषा क्या है वो बताया, है ना, फिर परिमाण क्या है वो बताया, 48 श्लोक हैं लेकिन कुछ संप्रदाय 44 भी मानते हैं, फिर रचयिता कौन है, किसने लिखा था, आचार्य मानतुंग ने लिखा, आचार्य मानतुंग एक नाम के आचार्य हुए हैं, और
उनके बारे में मतभेद है, कुछ जगह पर मैं 5वीं शताब्दी लिखा है, कहीं पर 7वीं लिखा है, लेकिन 7वीं ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे, लिखना पड़ेगा। तो 5वीं 7वीं शताब्दी में लगभग हुए हैं ये, है आचार्य मानते हैं। ये जो है भोपाल, जो मध्य प्रदेश में भोपाल है उसके आसपास कहीं पर उनकी समाधि है, तो वीर राजा भोज के समय में हुए हैं, राजा भोज के समय में हुए हैं, ऐसी एक कहानी है। वो कहानी कितनी सही है कितनी सही नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहानी ऐसी है कि वो राजा भोज के दरबार में किसी ने कुछ प्रश्न रखा होगा, कुछ बात रखी होगी, और उस बात के चक्कर में और कोई वाद विवाद के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ कि इनको बुलाने के लिए भेजा कि जाओ, वो महाराज हैं मानतुंग आचार्य हैं, उनको बुला के लाओ दरबार में। उनको भेजा तो वो तो जैन संत है, वो तो ध्यान में मस्त है, उनको क्या पड़ी है राजा, तो वो तो आए नहीं, 2-3 बार बुला के भेजा नहीं आए। फिर वो राजा को गुस्सा आया, गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि इसको पकड़ के लेके आओ, आचार्य मान तुमको पकड़ के लेके आओ और जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया। ऐसी कहानी है, मतलब पता नहीं कितनी कहानी सही है। तो कहानी में ऐसा बताते हैं कि ऐसी एक जेल थी जिसमें 48 ताले थे, एक ताला दूसरा ताला, ऐसे 48 ताले लगा दिए ऐसी जेल, उसके अंदर उनको बंद कर दिया, 48 गेट थे, उनको 48 ताले लगा दिए, बंद करके बिठा, ऐसी कहानी। अब आचार्य मान तुम जो है अंदर जेल में बैठे बैठे, उनको कोई पड़े नहीं, उनको तो आत्मा साधना करनी हो तो जेल में भी कर सकते हैं, तो शांति से बैठे आत्मा का ध्यान कर रहे। फिर धीरे धीरे भगवान आदिनाथ की स्तुति बोलने लगे, आदिनाथ की स्तुति बोलते रहे और एक एक छंद बोलते रहे, एक एक ताला टूटता रहा, 48 श्लोकों में 48 ताले पूरे पूरे टूट गए, सब दरवाजे खुल गए, बाहर आ गए, सबने उनकी जय जयकार कर दी। ऐसी कहानी है। हालांकि इस कहानी पर कभी कभी डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि जैन मुनि बड़े किसी से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, कुछ बड़े क्राइम देखो, मान लो कोई आदमी क्राइम करे, जैसे कसाब आया था मुंबई में, तो कसाब को 48 ताला में बंद किया था क्या किसी ने? जब इतने बड़े क्राइम करने वाले को भी 48 ताले में नहीं रखते, तो वो कोई बहुत बड़े कोई वो थे क्या? वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं जिन्होंने क्राइम किया हो, खतरनाक खूंखार दरिंदे जो होते हैं वैसे थोड़ी थे, तो जैन मुनि थे, सज्जन थे, कौन होंगे? एक ताला भी लगा दोगे तो वो तोड़ के थोड़ी भागेंगे, वो जेल तोड़ के भागने वालों में से थोड़े ही थे। तो ऐसा कभी कभी डाउट भी होता है, लेकिन डाउट को एक साइड रखो और अच्छे या चमत्कार की दृष्टि से ही इस कहानी को हम सही मान भी ले, तो यूं समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का एक मंत्र शक्ति जैसा मंत्र समझ लीजिए स्त्रोत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्त्रोत्र में जो है क्या क्या बातें हैं कि कुछ खास खास बातें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है क्या विषय वस्तु है, विषय वस्तु मतलब कंटेंट क्या है इसका। तो कंटेंट इसमें आपको पता ही है कि 48 श्लोक हैं, बस 4-4 लाइन के 48 श्लोक हैं, तो आप देख लो 96 कितने, मतलब करीब 4-4 लाइन से कर लीजिए 48 श्लोक है, तो 8 कम 192 करीब हो गया, 192 लाइन हो गई छोटी छोटी सी है। तो ये भी 3-4 पन्ने का ही है, मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 पन्ने 6 पन्ने से ज्यादा नहीं है, ये भी तत्वार सूत्र से भी छोटा ही, तत्वार सूत्र के बराबर का ही मान लो। तो ये छोटा सा ही स्तोत्र है, इसमें 48 श्लोकों में से शुरू के 8 श्लोकों में तो भूमिका ही बनाई हुई है, लेकिन वो भूमिका भी अपने आप में एक स्तुति ही है। कई लोगों को लगता है अरे अभी तक तो स्तुति स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक तो बात यही चल रही है, अभी तक तो वही चल रही है, लेकिन वो बात को कहने का जो स्टाइल है वो भी भगवान के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है, इसलिए वो 8 श्लोक भी भक्ति में ही काउंट होंगे, भले ही वो भूमिका है तो भी भक्ति ही है वो एक प्रकार से। और बीच में 8 श्लोक ऐसे भी आते हैं जिनमें भगवान के 8 प्रातिहारियों का वर्णन है, 8 प्रातिहारी, जैसे जैसे अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, पुष्प वृष्टि है, देवदुंदु भी है, देव नगाड़े बजा रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। तो ये जो 8 अक्षय हैं, उन 8 प्रातिहारी हैं, इन एक एक प्रातिहारी का एक एक श्लोक में वर्णन किया है, तो 8 श्लोक इनके हैं, 8 भूमिका के 16 हो गए। अंत में जो है 8 श्लोक ऐसे आते हैं जिनमें विविध प्रकार के भयों का भय, भय यानी डर है, तो वो डर जो फियर है, तो उन फियर से मुक्ति मिले ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई
बहुत हाथी है जंगल में, बड़ा भारी हाथी और दौड़ा चला आ रहा है आपकी तरफ, और आपको लग रहा है कि शायद ये तो मुझे पैरों पे कुचल के मार डालेगा, डरे हुए हैं। तो कह रहे कि हे भगवान, आपके नाम स्मरण से इतने खूंखार हाथी भी शांत हो जा रहा है। कोई शेर है, खूंखार शेर, एकदम गुस्सा आया हुआ है उस शेर को। उस शेर ने जो है अपने बड़े बड़े पहने पहने नाखूनों से वो हाथी का जो शरीर फाड़ डाला है, हाथी के ऊपर छलांग मारी, हाथी के मस्तक को ऐसे फाड़ दिया, और हाथी के मस्तक में से मोती जैसी चीजें होती है हाथी के मस्तक में, कोई कोई हाथी सबके नहीं, कोई सिख सिख, तो वो एकदम मोती जैसी चीज जो खून में सन करके पूरी जमीन पे आ गई है, एकदम पूरी जमीन खून से लाल हो गई है। ऐसा खूंखार शेर उस हाथी को मारने के बाद एक छलांग मारता है और हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है। हम डर गए कि अब तो बचना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में भी हे भगवान, आपका नाम स्मरण करते तो शेर शांत होकर बैठ जाता है। एक सांप आया, एकदम खूंखार गुस्से में, लाल आंखें एकदम लाल हो रही है, अग्नि आंखों से निकल रही है, और वो जीव है उसको ऐसा लपलपा रहा है। ऐसा सांप अपने फण को ऐसा ऊंचा करके तेजी से दौड़ा चला आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। हम डर गए हैं, लेकिन भगवान जैसे ही आपका नाम का स्मरण किया, उस तो सांप तो शांत होकर के एकदम चुप निकल गया। ऐसी ऐसी बातें इस भक्तामृत सूत्र में लिखी है, इतने गुजब गुजब की बातें लिखी है। देखो एग्जाम्पल दिया भक्तामृत सूत्र की पांचवें छठे छंद में, कहा कि मान लीजिए एक हिरण है, हिरण हिरणी होती है, हिरण मादा हिरण, तो वो उसका एक छोटा बच्चा है, उसको लेके वो सातवीं जंगल में जा रही, हरी पत्तियां खा रही है चुपचाप शांत से। एक शेर आ गया, शेर आकर के छोटे बच्चे को पकड़ लिया, हिरणी का बच्चा उसको शेर ने पकड़ लिया। अभी बताओ हिरणी कुछ बचाएगी नहीं बचाएगी, क्या करेगी बताइए? कितनी हिरणी की कोई पावर है, वो शेर से मुकाबला कर सकती है, और करेगी तो कुछ सफल होएगा नहीं होगा ना, वो भी मर जाएगी ना। लेकिन फिर भी वो क्या अपने बच्चे को छोड़ के जाती है कि लड़ती है? लड़ती है, वो भी जान लगा देती है, वो भी मर जाएंगी, लेकिन वो भी शेर से टक्कर लेती है अपने बच्चे के लिए। हिरनी ये जानती है, हिरनी को पता है कि मैं शेर से नहीं जीत सकती, शेर मुझे भी मारेगा, तो भी वो हिरनी उस शेर से टक्कर लेती है। इसी प्रकार हे भगवान, मैं आपके गुणों का स्मरण नहीं कर सकता, आपके गुण इतने ज्यादा है कि वो पॉसिबल नहीं है मुझसे, तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं आपकी कोशिश करूंगा गुणों का स्मरण करने का। ऐसे आचार्य मान तुम कह रहे इसमें भक्तामृत स्तोत्र में, भक्तामृत स्तोत्र में कह रहे कि आपके इतने गुण है कि जो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो मैं हार के बैठ जाऊंगा चुप, ऐसा भी नहीं चलेगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरे से जितना होएगा उतना गुणों का मैं वर्णन करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा कहा एक जगह पर कि मैं चुप नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता है, जैसे आपकी भक्ति करने का मेरा मन है और मैं चुप रहूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो किसी को मौन दिला दे, वे बोले मेरा मौन है, मैं बात नहीं करूंगा, फिर मान लो कोई हंसाएगा, फिर हंसेंगे, ऐसे होता ना। तो जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि मान लो वो एक कोयल होती है ना, कोयल पक्षी, तो कोयल मौन ले लिया, मौन बैठी चुप, लेकिन बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ पे जो फूल खिलते हैं छोटे छोटे, उनको फूलों को देख करके वो कोयल को अपने आप बोलने का मन करता है, फिर वो चुप नहीं रह पाती है, कुहू कुहू ऐसा बोलती रहती है। तो इसी प्रकार हे भगवान, आपके गुणों में मेरा इतना अच्छे प्रेम हो गया कि अभी मैं मौन नहीं रह सकता, मेरे को स्तुति करने का बहुत मन हो रहा है, ऐसा ऐसा आचार्य मान तुंग ने जो है इसमें लिखा है। ऐसा ऐसा कहा है, इतना सुंदर स्तोत्र है इसका। देखो क्या है, एक बात बताता हूँ, बहुत मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि वो भक्तामर का पाठ तो करते हैं, लेकिन पाठ करते समय ध्यान उनका कहीं दूसरी जगह रहता है, और क्या मीनिंग है वो पता नहीं, मीनिंग क्या है वो मालूम नहीं है, वो बोलना है उन्होंने कहीं नियम लिया है कि इसको पढ़ना है, फटाफट पूरा करना है कैसे भी करके, इसलिए वो फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं करने का, तो उसको ध्यान से समझो उसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग समझ गए तो आपको बहुत फल मिलेगा। मीनिंग समझ के पढ़ोगे तो बहुत फल मिलेगा, और बिना मीनिंग पढ़ समझ के पढ़ोगे तो बहुत कम फल मिलेगा, इसलिए मीनिंग समझ के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, शांति से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तो बहुत फल मिलता है। दूसरी बात बताता हूँ, दूसरी बात क्या है कि भक्तामर स्तोत्र
ओरिजिनल तो लिखा है संस्कृत में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी है, हिंदी भाषा में भी उसके कई वर्जन हैं, अलग अलग कवियों ने अलग उसका अनुवाद किया हुआ है, वो भी गाने की फॉर्म में या पद्य में, तो वो उसको पढ़ते हैं लोग। क्यों क्यों पढ़ते हैं? उनको लगता है कि ये सरल है, हमको समझ में आ रहा है, हम इसको वो उसको पढ़ने लगते हैं। लेकिन पता है उसमें एक प्रॉब्लम दूसरी है, मैं आपको बताऊं, आप ओरिजिनल वाला पढ़ने की कोशिश करो, ओरिजिनल संस्कृत वाला ही काम का है, वही चमत्कारी होगा, जोरदार, क्योंकि उसमें जो अक्षरों का क्रम जो बनाया है ना, वो बहुत शानदार बनाया है। वो उन जैसे मान लो आप फूल होते हैं, आपके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आपने कभी फ्लावर मंडी देखी होगी, तो वो अपने फूलों की माला बनाने वाले लोग होते हैं ना, उनको एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे माला बनाते हैं तो उसमें पैटर्न बनाए गए, एक फूल लाल, एक पीला, फिर लाल, फिर पीला, फिर लाल, फिर पीला, ऐसा नहीं करेंगे एक लाल दो पीले, एक लाल चार पीला, ऐसे थोड़ी करेंगे, एक पैटर्न बनाते हैं। तो इसी तरह से आचार्य मानकुंभ ने इस पूरे इस सूत्र के अंदर एक पैटर्न तैयार किया, शब्दों का, शब्दों का, अक्षरों का, मात्राओं का पैटर्न तैयार किया है। वो पैटर्न से ऑटोमेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी मंत्र का काम करती है, इसलिए अनुवाद वाला जो है ना वो उतना काम नहीं करता, ओरिजिनल वाला काम करता है। इसलिए थोड़ा सा ओरिजिनल पे कोशिश करना चाहिए, एक तो ये कहना। दूसरी बात एक और कहनी है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं सुबह सुबह काम बहुत रहता है, ऑफिस भी जाना है, उसी वक्त सब काम है, उसी वक्त ब्रेकफास्ट भी लेना है, सब काम करने हैं, भक्ता में पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या करें? तो वहां एक काम करते हैं, मोबाइल में यूट्यूब पे और इधर ये भक्तांबर चला के इधर रख देने का और अपना काम करते हैं, ठीक है क्या? ये दो बातें हैं, ये एक दृष्टि से ठीक नहीं है, एक दृष्टि से ठीक है, चेक हमको करना है कि ठीक है कि नहीं है। यदि आपका मन इसको सुनने में लग रहा है, काम करते करते भी ध्यान इधर है, तब तो ठीक है, लेकिन आपने केवल इधर चला के छोड़ दिया, काम में लगे हुए हैं, बस आपको फॉर्मेलिटी ये चलाना है करना है इसलिए कर दिया है, तो वो ठीक नहीं है, असाधना होती है। यदि आप काम में बिजी हैं, आपका चित्त भक्तांबर को सुनने में नहीं है, भक्तांबर सिर्फ मोबाइल में चला दिया है, तो वो ठीक नहीं है, लेकिन आप मोबाइल पर ध्यान है, उधर आप सुन रहे हैं, तो फिर चलेगा, है ना? थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूरी है परिस्थिति को देखते हुए, हम मानते हैं सुबह सुबह टाइम नहीं होता है, तो पूरी तरह से छूट जाए इससे बेटर है कि थोड़ा तो कान में पड़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं है, अपने विवेक से अपनी परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमको पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना है, पूरी तरह से ऐसा भी नहीं, ठीक है? तो एक बात ये भी है, तो ये जो खास खास बातें हैं, कुछ कुछ बहुत सारी बातें हैं, भक्तांबर को पढ़ने से बहुत लोगों को जो है भोगों की आकांक्षा रहती है, कुछ लोग जो सोचते हैं मेरा व्यापार बढ़ेगा, मेरा प्रमोशन होगा, ये होगा, लेकिन ये सब सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति से पढ़ना चाहिए। ये भक्तांबर स्तोत्र में जो है भगवान के अनेक नाम बताए गए हैं, हे भगवान आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही विधाता हैं। उनका अच्छा कैसे है, आप ही ब्रह्मा क्यों है? क्यों उनका देखो ऐसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा कहते हैं कुछ नया बनावे वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है तो नया बनाया ना, सृष्टि सृजन करने वाला, क्रिएटिव क्रिएटर जो होता है, कि आपने क्या क्रिएट किया है, कि आपने मोक्ष मार्ग क्रिएट करे, मोक्ष मार्ग बताया ना उनको, तो आप ब्रह्मा हो गए। कि विष्णु कौन होता है, कि रक्षा करने वाला होता है, हे भगवान आपके सिवा कौन रक्षक, इसलिए आप ही विष्णु हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे उसमें सबको होता है, आपने कहा शंकर, हे भगवान आप शंकर हो, आप शंकर जी हैं, कि कैसे है शंकर, कि सम प्लस कर, सम यानी शांति, कर यानी करना, जो शांति करे वो शंकर है। आप इस धरती पर जब जन्मे तीनों लोकों में शांति हो गई थी, इसलिए आप शंकर। आपको तीन छत्र क्यों लगे हैं, क्यों तीन छत्र इसलिए लगे हैं कि आप तीन लोक के मालिक हो, तीन लोक के स्वामी हैं आप, इसलिए तीन छत्र लगे हैं। तो कहने का अर्थ उसमें बहुत अर्थ अलग अलग तरीके से निकाले हुए, तो कहने का अर्थ ये जो भक्तांबर स्तोत्र है इसकी अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। क्या महिमा है, बहुत चमत्कारिक है। इसमें आप देखो कोई भी छंद उठा लो, आप रेंडमली कोई भी छंद उठा लो 48 में से, और उस छंद के अंदर चार
लेटर अक्षर जो है आपको ऐसे मिलेंगे जो उसमें है ही है। एक तो म, एक ना, एक ता और एक रा। म न त र, मंत्र मंत्र मंत्र। ये मंत्र शब्द है, इसमें तो म है, ना है, ता है और रा है। ये जो चार वर्ण है ये आपको प्रत्येक श्लोक में मिल ही जाएंगे। ये एक प्रकार का पैटर्न है। आचार्य मानतुंग जी ने ये जो है बड़ा गजब का छंद लिखा है, बहुत लोकप्रिय है। आज अच्छे अच्छे लोग इसको पढ़ते हैं। दुनिया ये मान चुकी है कि इसमें बड़ी शक्ति है, तो लेकिन इसका पाठ हमको अवश्य करना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि मंगलाचरण तीन जगह पर होते हैं। एक आदि मंगलाचरण शुरू में होता है, स्टार्टिंग में, एक एंड में होता है, एक मिड में होता है, मिडल होता है। तो जो मिडल मंगलाचरण का एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है हमको, सप्तांबर में मिडल मंगलाचरण है। एक 26 नंबर का जो छंद है वो भी एक प्रकार का मंगलाचरण है, बीच में जाकर के मंगलाचरण हुआ। तोभ्यम नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यम नमः चितितलामल भूषणाय, तोभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तोभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। ये मंगलाचरण बीच में आ गया। देखो क्या है, 48 छंद है, टाइम बहुत लगता है पढ़ने को। आपके पास टाइम है कम, तो आप क्या करिए, आप 24 24 दो दिन में पढ़ लो। एक दिन 24 पढ़ लिया, दूसरे दिन 24 पढ़ लिया। आप कहोगे ऐसा पढ़ सकते हैं कि आधा? क्यों क्यों नहीं पढ़ सकते? आप दोस्त की प्रशंसा करते हो, आधी प्रशंसा करोगे तो दोस्त नाराज हो जाएगा। कर सकते हैं ना, आधा कर लीजिए, समझ के करिए, क्योंकि आधा भी बहुत हो जाए, कोई बात नहीं। और 16 16 तीन दिन में कर लो, 12 12 चार दिन में कर लो, 6 6 करके 8 दिन में कर लो, क्या परेशानी है? दो दो करके 24 दिन में कर लो, प्रॉब्लम क्या है? तो कहने का अर्थ, जितना आप कर सके उतना करो, लेकिन समझ के करो, तसल्ली से करो। भाई भाई जल्दीबाजी मत करो, घाई मत करो, कहने का मतलब। तो कहने का अर्थ, जो मंगलाचरण ये सत्तावन स्तोत्र है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। और ये जिस छंद में लिखा हुआ है, देखो मेरे पास क्या है, सत्तावन स्तोत्र में यहाँ पढ़ाता था, दो दो घंटे की पर वीक क्लास लेता था, 3 महीने लगते मेरे को। 2 घंटे में 4 श्लोक से ज्यादा पढ़ा नहीं पाता हूँ मैं, तो 4 श्लोक एक क्लास में पढ़ाऊंगा तो 48 श्लोक के लिए मुझे 12 क्लास लगेगी, तो 12 सप्ताह लगेंगे। 12 सप्ताह 3 महीने में होते हैं। तो मैंने यहाँ 3 3 महीने के कई कोर्स पढ़ाए हैं भक्तामर के, तो उसमें हम डिटेल बहुत बताते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि जो ये स्तोत्र है ये संस्कृत भाषा के किस छंद में लिखा है। छंद शास्त्र का एक अलग पूरा विधान है। मेरी बड़ी इच्छा है, कभी कभी मैं सोचता हूँ भक्ता ये छंद सिखाना है मुझे, 2 3 दिन की एक वर्कशॉप करके उसको छंद सिखाने का है। तो वो छंद को पहचानना, छंद का क्या उच्चारण है, क्या लक्षण है, किस तरह से बोलना है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो छंद इसमें प्रयोग हुआ है भक्तामर में, उसका नाम है वसंत तिलिका छंद। वसंत तिलिका छंद है वो। उस छंद की विशेषता है ये वर्णिक छंद। वर्णिक मीन्स लेटर इसमें गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं गिने जाती। दो प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक एक मात्रिक। तो मात्रिक अलग होते हैं, ये वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद में ये जो वसंत तिलिका है, और वसंत तिलिका के प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर होते हैं। आप गिन के देख लेना, हर लाइन में 14 अक्षर मिलेंगे। आप आधे अक्षर काउंट नहीं करते, ये आधे काउंटेबल नहीं है, जो पूरे हैं वही काउंटेबल है। वो 14 अक्षर मिलेगा आप। तो 14 अक्षर में तीन तीन के तीन जोड़े बनेंगे, तो 12 नहीं, तीन 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 के चार बनेंगे, नहीं हाँ चार, तीन तीन के चार जोड़े बनेंगे, तो कितने हो गए, 4 3 12 हो गए। और दो बच्चे लास्ट में, दोनों के दोनों गुरु गुरु वर्ण होंगे। गुरु वर्ण यानी कि जिनमें मात्राएं बड़ी लगी होंगी, दीर्घ मात्रा। ऐसा आप चेक कर लेना, बिल्कुल यदि दीर्घ नहीं होगी तो उसके जस्ट पहले वाले में आधा अक्षर होगा, है ना। इस प्रकार से ये जो है इसका एक पैटर्न होता है, वसंत तिलिका छंद का एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न के हिसाब से ही इसको बनाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भक्तामृत स्तोत्र है उसके अंदर जो है हमको कई बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए, ठीक है। कभी भी जो है भक्ति करते समय भगवान से भोगों की भीख नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो हम में और उनमें क्या मतलब, हम तो भीख मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरा ये हो जाए वो हो जाए,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो बीमार हो गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पहले क्या करता है, फीस लेता है, बाद में डिस्क्रिप्शन लिखेगा, बाद में चेकअप करेगा, बाद में देखेगा, पहले फीस देनी पड़ेगी आपको, जो भी फीस है डॉक्टर की, और बिना आप बार्गेनिंग के आप बकायदा वो फीस देते हैं। लेकिन भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको 125 रुपये का नारियल 11 रुपये चढ़ाऊंगा, 21 रुपये चढ़ाऊंगा, या 500 रुपये चढ़ाऊंगा। 500 रुपये तो डॉक्टर की फीस भी नहीं है, अभी फीस ज्यादा है। तो कहने का अर्थ क्या है, हम भगवान से कहते हैं कि पहले मेरा काम हो जाए फिर मैं ये काम करूंगा, और डॉक्टर के यहाँ पहले पैसे देते हैं बाद में डॉक्टर काम करता है। तो कहने का अर्थ, डॉक्टर से भी हमने कम भगवान को दर्जा दिया है, सम्मान कम दिया है। सोचने की बात है, भगवान से ऐसी रिश्वतदारी, रिश्वतखोरी नहीं कि पहले मेरा काम होगा फिर मैं रिश्वत चढ़ाऊंगा, ये रिश्वत चढ़ाना हो गया, प्रसाद चढ़ाना ही हुआ। तो कहने का अर्थ हमें क्या है, भोगों की आकांक्षा दूर करना है ना, समझ में आई बात आप। तो कहने का अर्थ क्या है, ये निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए तभी वो फलदायी होती है, तभी उसका वास्तविक फल मिलता है। तो ये समझने की बात है ना। तो कहने का अर्थ ये, जो आपको मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, छोटा सा ये है परिचय, तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो भक्ताम्बर स्तुत्र क्या है वो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 48 छंद है, संस्कृत भाषा में है, 5वीं या 7वीं शताब्दी में लिखा गया है, आचार्य मानचंद ने लिखा है, ठीक है, 48 इसमें छंद है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ खास बातें हैं, और कैसा है जो आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो भी आनंद आएगा, और इसका भी लगभग सब भाषाओं में अनुवाद मिल जाएगा, आजकल बहुत जगह से प्रकाशित हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है, इंटरनेट पर भी है, हिंदी अनुवाद भी है, लेकिन संस्कृत में जो बात है वो नहीं है, हिंदी में। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से भक्त अमर का परिचय भी हो गया है और तत्वार्थ का परिचय भी हो गया है, दोनों परिचय लगभग अपने हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आपको जो कोई नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, नहीं तो बहुत है मेरे ख्याल से। सर, इसके कंप्लीट डिटेल्स, एक एक लाइन की जो मीनिंग है वो मुझे कहीं, वो आपके हाँ ऐप हाँ पे। हाँ, रिकॉर्डिंग है, एक एक शब्द की बकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो मैं दे दूंगा आपको, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये जब कोरोना काल चल रहा था ना, तब तब मेरी डॉटर ने, वो 10th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसको संस्कृत अच्छी आती है, तो उसने क्या किया, उसकी पूरी पीपीटी बना के एक एक शब्द का टुकड़े करके एक एक शब्द का मीनिंग समझाया है बकायदा, और उसको पूरा एकदम रिकॉर्ड किया हुआ है, एकदम सिस्टमेटिकली पूरे 48 छंद एकदम। तो वो मैं आपको पूरी सीरीज ही भेज देता हूँ, आप उसको सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा, एकदम आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताइए। हाँ सर, ये भक्तामर पॉपुलर होने की जो वजह है वो क्योंकि उसमें हाँ हमारी इच्छा पूर्ति होती है, ये है या क्या है? दोनों ही बातें हैं। एक तो देखिए क्या है क्या नहीं है, इसको तो बाद में उत्तर देंगे, लेकिन इस भक्तांबर में ही शायद 7वें 8वें नंबर का श्लोक है जिसमें लिखा है, आचार्य मानथो ने पहले ही लिखा है, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननोद बिंदु। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार, जैसे सर्दियों की सुबह होती है ना, तो यहाँ बॉम्बे में तो इतनी सर्दी वर्दी नहीं होती है, सर्दी की सुबह हो और वो जो कमल का फूल है वो खिला हुआ है, और उसके पत्ते के ऊपर मोती के जैसी एक ओस की बूंद पड़ी है, ओस तो जानते हैं ना आप, ऐसे ऐसे जल बिंदु, तो कितना सुंदर लगता है, ऐसा लग रहा है मोती जैसा चमक रहा है, तो वो अपने आप अट्रैक्ट करता है, हमें आकर्षित करता है। तो उसी तरह से भक्तामर स्तोत्र भविष्य में सभी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे आचार्य मानतुंग ने इसी भक्तामर स्तोत्र में लिखा है, इसी स्तोत्र में पहले ही लिख दिया, उनको शायद पहले ही पता था कि ये भक्तामर स्तोत्र लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा लिखा उन्होंने। तो एक तो ये, यानी कि आचार्य को खुद ही मालूम था, दूसरा इसका जो है चमत्कारिक प्रभाव भी है वो भी समझ में आता है। देखो आप हर रोज इसको बोलते रहोगे ना तो भी बदाओं से बचे रहते, ये भी फर्क पड़ता है। हालांकि ये ऐसी बातें बताना लोगों को कम पसंद आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मिथ्यात्व को बढ़ावा दे रहे हो, है मुझसे शिकायत करते कि आप ऐसा ऐसा मत बताओ, नहीं तो लोग इस दृष्टि से ही भक्तामर पढ़ेंगे, वो पवित्र भावना से नहीं पढ़ेंगे, भक्ति की भावना से नहीं पढ़ेंगे, वो तो भोगों की भावना से पढ़ेंगे, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए,
नहीं होगा तो हे भगवान तो कुछ नहीं करते। तो ये एक गलत तरीका है, ये तो एक साइड बेनिफिट है, असली बेनिफिट तो आपको भगवान की भक्ति का लेना है। ये तो साइड बेनिफिट अपने आप मिलेगा। एक किसान होता है, खेती करता है, किस लिए करता है? फसल उगाने, अनाज होना है, तो अनाज असली फल है और साइड में घास फूस होता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही है जी, बताइए। सर जैनिज्म में तो वैसे भी हम मांग नहीं सकते, हमारे में तो ऐसा कुछ मांगने जैसा नहीं होता है वैसे। हाँ, भी बराबर, एकदम बराबर, मांगने जैसा है भी नहीं। जो मिलेगा मुझे मेरे पुण्य से मिलेगा, जो नहीं मिलेगा तो मेरा पाप का उदय होगा, तो नहीं मिलेगा। इसमें भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, भगवान अपना काम कर रहे हैं, हमको हमारे लिए क्यों परेशान करना। तो जैनिज्म में लेने देने का, मांगने करने का कुछ भी प्रसंग नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या रहता है कि हे भगवान मेरा ये हो जाए वो हो जाए। इस प्रकार की सोच हमको नहीं रखनी चाहिए, ये संकीर्ण सोच है, ये अच्छी बात नहीं है। हमको जो है पवित्र भाव से ही भक्ति करनी चाहिए, ऐसा है ये कहने का भाव। समझ में आया बात? और बताइए कुछ। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, मेरे को स्थानक वासी और देरा वासी जो बाइफर्केशन है वो मुझे मुझे पता नहीं था कि वो दिगंबर में था कि इसमें था अपना श्वेत। इसमें कुछ भी खास फर्क नहीं है, इसमें जो है 44 श्लोक मानते हैं, वो कौन से देरा वासी है कौन है पता नहीं, वो 44 मानते हैं और बाकी 48 मानते हैं, 4 श्लोक कम मानते हैं शायद, वो भी नंबर कुछ ऐसा है 41 से 44 तक के कुछ है, मतलब 4 श्लोक हैं। लेकिन वो श्वेतांबर के ही है बाइफर्केशन, दिगंबर के नहीं है ना? दिगंबर तो पूरे 48 मानते हैं, पूरे 48 मानते हैं, इसमें 41 से 44 तक के जो जो 4 छंद है उनको वो नहीं मानते। लेकिन पता है उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो नहीं क्यों नहीं मानते वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो 4 छंद जिसको नहीं मानते ना, उनमें 4 प्रातिहारियों का वर्णन है और प्रातिहारी होते हैं 8 प्रातिहारी होते हैं और 4 का वर्णन उनमें है। इसका मतलब उन्होंने 4 प्रातिहारी माने और 4 नहीं माने, ऐसा तो होता नहीं है, मानते तो पूरे 8 ही है, तो फिर उन 4 को क्यों छोड़ा, वो मेरे आज तक नहीं समझ में आई बात। तो कहने का वो जो भी है हमारे पास 48 श्लोक उपलब्ध है ना, तो ऐसी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए बाकी सब समझ में तो आया? हाँ पूछिए अभिजीत जी। सर आपने जो गृहपाठ दिया हुआ है उसमें 10 पेज आपने लिखने के लिए कहा है। हाँ, यानी हाँ, ये एक पेज हो गया या ये मिला के एक पेज हो गया? नहीं, वो मिला के 2 होएगा। अच्छा, हाँ, मिला के 2 होएगा ऐसे एक। और सर आपने समय आपने बहुत कम दिया है और आपने हमारी छुट्टियों का समय चिंता मत करिए, आप आराम से लिखिए, दिवाली के बाद दीजिए, कोई चिंता नहीं, आप एंजॉय करिए, त्योहार मनाइए, फेस्टिवल है, आप आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ हाँ, और बताइए बाकी सब बढ़िया सब? सर तत्वार्थ सूत्र पर थोड़ा